सबमिशन कर दी? यस मैम, सबमिशन कर दी। मुजना मैम पहले स्क्रिप्ट समझा रही हूँ। आज केस स्टडी का फाइनल एग्जाम था, मिड टर्म, मैंने कहा था कि केस स्टडी पे है। स्क्रिप्ट की असाइनमेंट तो अभी ड्यू नहीं है, एक तो वो वैसे ही अगले हफ्ते ड्यू थी, फिर मैंने 15th के बजाय उसको अब 22nd कर दिया है, क्योंकि आप में से कुछ लोगों को वो असाइनमेंट समझ नहीं आई। अब आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आपने अभी तक एडवर्टाइजिंग के कोई कोर्सेज नहीं पढ़े सेमेस्टर वन में और टू में? मैम पढ़ा था मगर उसमें हमने स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं सीखी। एडवर्टाइजिंग के कोर्सेज में आप लोगों ने स्क्रिप्ट राइटिंग कवर ही नहीं की, तो कैंपेन बनाई कैसे? मेरा क्वेश्चन ये था कि जो आपने एडवर्टाइजिंग वन जो भी कोर्स था, फिर एडवांस्ड एडवर्टाइजिंग आजकल आप लोग पढ़ रहे होंगे गालबन, तो इन दो कोर्सेज की असाइनमेंट्स आपकी किस तरह की हैं? उसमें डिजाइनिंग एंड कॉपी राइटिंग वगैरह कवर नहीं हो रही? मैम जो हमने एडवर्टाइजिंग लास्ट सेमेस्टर में ये पढ़ा था ना, उसमें हमने एक रेस्टोरेंट पे ब्रीफ लेके उस पे हमने कैंपेन बनाई थी, हमने कोई एड नहीं बनाया था ना उनकी कोई केस स्टडी बनाई थी, हमने एक एक प्रैक्टिकल वर्क किया था जिसमें हमने सिर्फ उनकी ये सोशल मीडिया या पे जो भी हमने उनको ये सॉल्यूशंस दिए थे, हमने स्क्रिप्ट वगैरह नहीं बनाई थी ना हमने कोई एड बनाया। जो आपने सोशल मीडिया कैंपेन बनाई या जो भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनाई, उसमें पोस्टर्स पे या इवन सोशल मीडिया पे आपने कॉपी नहीं लिखी थी? इसको स्क्रिप्ट नहीं कहते एडवर्टाइजिंग में, स्क्रिप्ट नहीं कहते एडवर्टाइजिंग में, कॉपी का वर्ड यूज होता है। नहीं मैम, नहीं मैम, हमने हमने जस्ट आइडियाज दिए थे मैम। अच्छा, तो जो आपके पोस्टर्स पे कैप्शंस एंड सब कैप्शंस नहीं थी? मैम देयर वाज एक्चुअली नो पोस्टर एज सच, ऐसे प्रेजेंटेशन थी। ओके, सो प्रेजेंटेशन में कैन यू टेल मी व्हाट काइंड ऑफ आइटम्स यू हैड कवर्ड इन अ कैंपेन और इन अ प्रेजेंटेशन, क्या कवर किया? यस मैम, सो बेसिकली प्रेजेंटेशन में हमें आइडियाज हमने दिए थे कि हम रोटी को किस तरह प्रमोट कर सकते हैं। differentiate, but exactly हमें dynamics नहीं पता, like हमें नहीं, मुझे मुझे बताएं, मुझे detail में कुछ भी नहीं पता। All right. So have you visited any advertising agency so far? No, ma'am. No. All right. The teacher said इस दफा शायद करवाएंगे, but somehow कोई नहीं, हम सब चले गए। lockdown की वजह से problem हो गई। The thing is के ad agency में अब I am not sure. मेरे पास ब्लू बुक तो कहीं पड़ी हुई होगी। ओरिएंट मैकेनरिक्सन यूज टू प्रिंट ब्लू बुक ऑफ एडवर्टाइजिंग, ये कोई पिछले कोई तकरीबन 30 इयर्स से दे बीन प्रिंटिंग ब्लू बुक। आई थिंक उसमें उनका कंपनी स्ट्रक्चर या उनकी किसी ना कहीं मौजूद होगा। इफ़ आई फाइंड इट इन माय बुक्स तो मैं उसको आई ट्राई कॉपिंग अ फ्यू थिंग्स फॉर यू, इमेजेस आई विल ट्राई टू शेयर। सो बेसिकली एड एजेंसी में दो तरह के लोग जो हैं वो डोमिनेंट रोल है उनका, एक क्लाइंट सर्विस एग्जीक्यूटिव हु मीट्स द क्लाइंट, फॉर इंस्टेंस ही गोज टू नेस्ले, कोका कोला या हलीब एक्सेट्रा, एंड ट्राइज फाइंडिंग आउट के इफ दे हैव अ प्रोडक्ट जिसको दे वुड लाइक टू एडवर्टाइज इन नियर फ्यूचर, और इफ दे आर लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट तो वो उसकी जॉब्स लेके एड एजेंसी वापस आते हैं। सो गेटिंग बिजनेस इज जॉब ऑफ द क्लाइंट सर्विस एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिंग इट इज द जॉब ऑफ क्रिएटिव टीम। तो बहुत ओकेजनली ऐसा भी होता है कि सम गुड एड एजेंसीज ट्राई के वो क्रिएटिव डिपार्टमेंट के लोग उनको दे शुड अकंपनी देम इन देयर विजिट्स टू द क्लाइंट्स। सो काफ़ी सारी एजेंसीज जो हैं दे अवॉइड टेकिंग देयर क्रिएटिव पीपल टू द क्लाइंट्स बिकॉज दे फील कि फिर
at times client becomes more interested in the work of the creative person and they think they can lose their clients. So kuch agencies jo hain badi agencies, they engage their creative staff with client service executives and together the two visit. Jo creative hai usme designers alag honge, copywriting ke liye creative copywriter hoga, creative director usko kehte hain. और उसके अलावा क्रिएटिव डायरेक्टर ऑडियो विजुअल इज द पर्सन जो कि टीवी कमर्शियल्स वगैरह जो ऑडियो विजुअल का कंप्लीट काम करता है इवन इफ इट्स अ रेडियो कमर्शियल एक्सेट्रा. सो आई वुड हैव थॉट के बाय नाउ यू हैव सम आइडिया कि आपने एक कैंपेन अल्बन एडवर्टाइजिंग में कुछ ना कुछ कवर किया होगा. सो इफ यू बीन लुकिंग एट यू नो लाइक कॉपी जो के पोस्टर की कैप्शन हो सकती है और कैन बी कॉपी इन अ ब्रोशर. आपने ब्रोशर्स तो देखे होंगे, ब्रोशर्स में बहुत ज़्यादा कॉपी होती है, पोस्टर्स पे कम से कम वर्ड्स में आप कॉपी लिखते हैं बिकॉज रोड पे पीपल डोंट हैव टाइम टू स्टॉप एंड रीड अ पोस्टर. तो आपकी ग्लिम्प्स में whatever you can see within a glimpse is good for most of the outdoor advertising. Jab aap dekh rahe honge ki jab aapne koi poster dekha ya aapne koi hoarding dekhi or something else jo aap gaadi mein se guzarte hue dekhte hain, you don't stop to look at those things. To unke upar text minimum hota hai, image powerful hoti hai, but there is always some sort of text there. उसके बाद आपके प्रेस एडवर्टीजमेंट्स होते हैं. हैव यू नॉट डिजाइंड एनी प्रेस एडवर्टीजमेंट और मैगजीन एडवर्टीजमेंट सो फार? नो मैम नॉट रियली. अच्छा, तो अगर आपने ऐसी कोई चीज डिजाइन की होती तो यू वुड हैव रियलाइज्ड के न्यूज़पेपर की लाइफ वन डे की होती है, मैगजीन की लाइफ जो है वो वन वीक या वन मंथ भी हो सकती है डिपेंडिंग के उसकी प्रोडक्शन रेट क्या है. सो बेसिकली देयर आर आइटम्स जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होने की वजह से उन पे थोड़ा सा टेक्स्ट इंक्रीज हो जाता है. So then comes you know like radio commercial and TV commercial. I think ke wo bhi aap logon ne shuru kiya hai, so that is something that you cannot complete without the copy in most cases. तो आप लोगों का जो क्वेश्चन है अबाउट योर नेक्स्ट असाइनमेंट उसके लिए मैंने फिर एक वीक ऐड कर दिया बिकॉज आई थिंक फैजान की भी यही सजेशन थी कि आप लोगों को एक वीक और दे दिया जाए. तो आई हैव एडिड अ वीक. तो हम आज की क्लास के एंड पे इफ वी हैव सम टाइम आफ्टर द प्रेजेंटेशंस तो आई विल ट्राई गोइंग थ्रू इट. और अगर आज की क्लास में हम नहीं कवर कर सके तो वी विल डू इट इन द नेक्स्ट क्लास. ठीक है? So basically it's thank you, ma'am. आपको एक सजेशन मेरी सिर्फ इतनी है कि try looking at you know like मैंने गूगल क्लासरूम में I had shown you in the past कि I have posted videos. तो आपको मैं कुछ चीजें दिखाती हूँ, they would be helpful. और मैंने कल भी आप लोगों से जब आप लोग कह रहे थे कि you are not sure how to write copy or how to write you know how to do other work that I'm asking you to do, तो मैंने उस वक्त भी कहा था कि then you should go through things that I have already posted in Google Classroom. Google Classroom में मैंने आपके लिए 4 different types of items post किए थे in the library. Let's go through it again. ठीक है? Because I think it's absolutely important कि you understand कि Google Classroom में क्या चीज़ें हैं. देखें, सबसे ऊपर videos पड़े हुए हैं. You know, हमने if you remember हमने पहली एक दो class meetings में we actually discussed some of the videos, we looked at some of the videos. ठीक है? यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है Coca-Cola. सोशल मीडिया की स्टडी, आई थिंक ये शायद KFC की है. उसके आगे लिखा हुआ है ऊबर फूड ड्राइव, देन इट सेज KFC मदर्स डे कैंपेन एक्सेट्रा. अगर आप इनमें से कुछ भी खोलेंगे तो यू वुड इंस्टेंटली लर्न के वॉट दे हैव डन. अब ये वीडियो वन, उसके नीचे वीडियो टू, बिकॉज देर इज़ अ लिमिटेशन कि यू कैन नॉट पोस्ट मोर देन 20 वीडियोज इन अ गो. तो यहाँ पे 20 वीडियोज आपको यहाँ मिलेंगे. Then you'll find more videos, जो कि case studies हैं, you'll find them here. And then you'll find more videos here. So इन सारों में 20-20 के लगभग होंगे, which means के शायद 60-70 के करीब 60 plus case studies यहाँ पे posted हैं. So आप लोगों की इनमें से एक जो है I think video 2 में शायद पड़ी हुई है, जिस जो कि share a coke है गालबन. ये देख रहे हैं आप share a coke campaign. तो शेयर अ कोक कैंपेन इज समथिंग, डिड वी नॉट गो थ्रू द केस स्टडी ऑफ शेयर अ कोक कैंपेन?
हमने देखी थी ना शेयर के कैंपेन भी जी हमने हमने इसको बड़ी डिटेल में चेक किया था. सो इफ यू जस्ट वॉच दिस वीडियो, इस पे लिखा हुआ है इट्स अ 3 मिनट्स लॉन्ग वीडियो. सो यू विल इमिडिएटली अंडरस्टैंड कि हाउ अ केस स्टडी इज चेंज इनटू अ 3 मिनट वीडियो, राइट. और अगर आप बाकियों में से भी किसी को भी देखेंगे तो यू विल इंस्टेंटली रियलाइज. फॉर इंस्टेंस के आपको मैं एक दिखा देती हूँ फॉर योर कन्वीनियंस राइट नाउ, के जब आप इसमें कहते हैं कि एक सेकेंड. 1 in 9 people suffer from chronic hunger. In Canada, 40% of the population goes hungry at least once a week. Public apathy is the biggest barrier. But what if there was a way to make it easier to help? Using Uber. Introducing the Uber Eats food drive. We use the functionality native to the app in a completely different way. Instead of ordering food for yourself, people can use Uber to feed those in need. Users give Uber drivers the location of someone and have the food delivered to them. Uber is trying something new here in Toronto today. Basically, between 11 and 12, you can call, and they've got a set menu. Open up your Uber app, slide to the Uber Eats option, and press a button to check out. The campaign quickly became a trending topic on Twitter and captured the attention of global media outlets. Would a bag of food help? That would be great. Okay. Thank you so much. Over 800 meals were delivered to those in need via Uber on the first day of the campaign. And we teamed up with Second Harvest so that unsold meals could be donated to shelters around the city. And for the first time, anyone with a mobile phone can start a food drive. Anytime or anywhere someone is in need. Do you realize that this video actually contained all the items that are covered under different headings in your case studies? ऐसा ना, आप मुझे थोड़े से कंफ्यूज्ड लग रहे हैं. नहीं नहीं, मेरा तो ये ऊबर वाला ही था. मैंने रात को बैठ के वीडियो देखी है पूरी, मुझे आइडिया हो गया स्टोरी बोर्ड का भी उसका. बस मुझे ये नहीं पता कि अगर जो उनके जो आपके ये फ्रेम है उसके साथ जो हमने डायलॉग लिखेंगे हमारी वो कॉपी में होता है. जी जी, दैट इज कॉल्ड कॉपी. ठीक है, आप उसको ये चूंकि इट्स उसमें मोस्टली एडवर्टाइजिंग में वर्ड कॉपी का ही इस्तेमाल होता है. ओके, क्योंकि ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग की ड्यूरेशन हुआ करती थी 30 सेकंड्स, बिकॉज एनीथिंग लॉन्गर देन 30 सेकंड्स वाज क्वाइट एक्सपेंसिव. फिर जब ये आपका केबल टीवी एंड सोशल मीडिया आया तो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट ट्रिमेंडसली ड्रॉप्ड विद द अराइवल ऑफ द सोशल मीडिया एंड केबल टेलीविजन. तो यू कैन अंडरस्टैंड के बिफोर केबल टीवी द कॉस्ट ऑफ अ टीवी एडवर्टीजमेंट वॉज 30 सेकेंड एडवर्टीजमेंट वॉज अबाउट 150,000 रुपीज. सो यू कैन इमेजिन के 20 ईयर्स अगो एडवर्टाइजिंग वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव. और विद द पैसेज ऑफ टाइम केबल टीवी के इंडक्शन के साथ द कॉस्ट ड्रॉप ट्रिमेंडसली. और उसके बाद सोशल मीडिया कॉस्ट तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हैं. सो यू विल सी के दीज डेज इफ यू आर लुकिंग एट टी वी सीज ऑफ फॉर एग्जाम्पल के एफ सी, लिप्टन एक्सेट्रा, यू विल फाइंड के इस वक्त जो रिसेंटली पिछले कुछ सालों से एडवर्टीजमेंट्स आ रहे हैं यू विल सी के उनकी ड्यूरेशन एट टाइम्स 2.5 मिनट्स भी है, 3 मिनट्स भी है. सो फ्रॉम 30 सेकेंड्स टू मोर देन 2 मिनट्स मीन्स के वॉज पॉसिबल ओनली इफ द कॉस्ट हैड ड्रॉप्ड ट्रिमेंडसली. तो मैं आपसे मैंने ये कहा कि आज की क्लास के एंड में इफ वी हैव टाइम तो वी विल गो थ्रू इट. लेकिन आपके फॉर योर ईज मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि फॉर एग्जांपल योर कमर्शियल ओपन्स हियर, राइट. इसके स्टार्ट में दे आर गिविंग द मार्केटिंग स्ट्रेटजी, और आप उसको कह लें मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट उसने दिया कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम दैट मेड देम रियलाइज के दे शुड लॉन्च दिस कैंपेन. अब जो आपको ये नजर आ रहा है दिस इज अ फ्रेम, ठीक है. ये जो आपको फ्रेम, इन द फ्रेम जो मैंने आपसे कहा कि डिस्क्रिप्शन देनी है, इन द डिस्क्रिप्शन यू वुड ओनली राइट के आप ये देखें
कि ये गालबन किसी गाड़ी में से लिया गया शॉट, ठीक है? सो यू आर सेइंग के जो कार शॉट है उसकी विंड स्क्रीन के थ्रू यू आर लुकिंग एट साइडवेज होम्स एंड ट्रीज एक्सेट्रा. तो ये जो इस फ्रेम के नीचे जहाँ पे लिखा हुआ उबर फूड ड्राइव 2016 केस स्टडी, यहाँ पे आप बजाय उबर फूड ड्राइव 2016 केस स्टडी यू विल राइट द डिस्क्रिप्शन के शॉट ऑफ हाउसेस एंड ट्रीज ऑन द रोड साइड फ्रॉम अ मूविंग कार, ठीक है? तो सीन वन यहाँ पे SC1 कॉलन, जैसे उबर के बाद कॉलन डाला हुआ है, SC1 कॉलन, उसके आगे लिख देंगे के शॉट ऑफ हाउसेस एंड ट्रीज ऑन द रोड साइड फ्रॉम द विंड स्क्रीन, ठीक है? इसके नीचे अभी सिर्फ म्यूजिक सुनाई दे रहा था व्हेन दिस केस स्टडी बिगिंस. तो चूंकि एट द बिगिनिंग यू आर नॉट हियरिंग एनी कॉपी, कोई वर्ड्स आपको सुनाई नहीं दिए, तो फर्स्ट फ्रेम में आप सिर्फ ये लिखेंगे म्यूजिक बिगिंस, ओके? सो ऑल आई सेड के आपने सिर्फ ये करना है कि यू जस्ट सिलेक्ट फ्रेम वन, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन, और उसके डिस्क्रिप्शन के नीचे म्यूजिक, बिकॉज देयर वॉज नो वॉइस. वरना मैं आपसे कहती डिस्क्रिप्शन के नीचे इफ देयर वॉज वॉइस तो आई वुड से कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के नीचे राइट कॉपी और उसके नीचे लिखें म्यूजिक. तो मतलब म्यूजिक तीसरे नंबर पे चला जाता. फिर फोर्थ नंबर पे आई सजेस्टेड यू कैन राइट सम काइंड ऑफ इफेक्ट. फॉर इंस्टेंस इफ यू आर सेइंग के जी थंडरस्टॉर्म है एंड यू कैन सी लाइटनिंग एंड हियर साउंड ऑफ द थंडर, तो आप यहाँ पे नीचे उसके उस ऑर्डर में लिखेंगे सीन डिस्क्रिप्शन ऑन टॉप, कॉपी एंड और डायलॉग और वट एवर एट नंबर टू पोजिशन पे, नंबर थ्री पे यू वुड राइट म्यूजिक एंड नंबर फोर पे यू कैन पुट साउंड इफेक्ट. तो ये तीन चार चीज़ें, अगर आपको कोई चीज़ सुनाई दी, फॉर इंस्टेंस यू कैन हियर हॉर्न्स, रोड है ना, तो हॉर्न शायद सुनाई दे ही सकता है, तो यू कैन से कि जी साउंड ऑफ साउंड SFX लिख के आप यहाँ पे लिख देंगे कि वॉट यू. उसके बाद सपोज के दिस इज योर नेक्स्ट फ्रेम, तो अभी ये भी आपको गाड़ी से ही नजर आया है, तो यू जस्ट सिलेक्ट दिस फ्रेम, ये इमेज आपने यहाँ से कॉपी की, आपने इमेज को अपने फ्रेम में डाला और इसके नीचे लिख दिया कि फ्रॉम द कार विंडो यू कैन सी अ मैन लाइंग ऑन अ बेंच ऑन द रोड साइड. तो बस ये छोटी छोटी सी डिस्क्रिप्शंस मैंने आपको लिखने के लिए कहा है. हम अपने फ्रेम कैसे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वीडियो के फर्स्ट करें ये 3 मिनट की है, हम अपने फ्रेम्स कैसे सिलेक्ट करें? देखें टेक्निकली तो आपको ये सारे डिफरेंट फ्रेम सिलेक्ट करने पड़ेंगे. देखें जैसे एक फ्रेम ये था, सेकंड फ्रेम ये था, थर्ड फॉर इंस्टेंस ये है, यहाँ पे यू आर ऑल्सो रीडिंग इन कैनेडा 40% ऑफ द पॉपुलेशन गोज हंग्री एट लीस्ट वंस अ वीक. तो आप उसको यहाँ पे यू अंडरनीथ यू वुड राइट सीन 3 और उसमें लिखेंगे यू कैन सी अ वुमन सिटिंग लोनली ऑन द रोड साइड अपेरेंटली. अब आपको ये लग रहा है कि शी इज ऑल्सो अनदर जो कि ये हंग्री एट लीस्ट वंस अ वीक वाली सिचुएशन है. और इसके नीचे आपने डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद यू आर राइटिंग the voice का जो डायलॉग था, इट सेज इन कैनेडा 40% ऑफ द पॉपुलेशन गोज हंग्री, तो आप ये इसके नीचे लिख देंगे और उसके नीचे यू वुड राइट अगेन म्यूजिक कंटिन्यूज, ठीक है? और अब आप ये देखें यहाँ तक यही चल रहा है. फिर फोर्थ पे अब ये शॉट जो है बैक से है. अब आप देखें, सो यू आर सेइंग के ओवर द शोल्डर शॉट, और ये जो पहले था ये वाइड शॉट है लेकिन ओवर द शोल्डर नहीं है, राइट? आपको साइड से ही नज़र आ रहा है. अब यहाँ तक इन्होंने कोई 5-6 डिफरेंट लोग दिखा दिए हैं, आप उनमें से 5-6 नहीं भी दिखा रहे अगर तो 3 या 4 को कवर करेंगे ना, ताकि आपकी कॉपी कवर हो जाए, राइट? बेस्ट वुड बी टू इंक्लूड एज मैनी फ्रेम्स एज आर नेसेसरी, राइट? तो अभी तक फॉर इंस्टेंस यहाँ तक 5 है, फिर ये एक और है 6, एंड बाय नाउ आपको ये देखें कि जो ये कॉपी लिखी हुई है स्क्रीन पे, यू कैन ऑल्सो सी द कॉपी,
सो यहाँ पे दो चीजें हो रही हैं कि यू आर नॉट ओनली लिसनिंग टू द कॉपी बट यू आर ऑल्सो रीडिंग द कॉपी इन साइड द फ्रेम. तो आप इस पे ये लिखेंगे पब्लिक एपथी इज द बिगेस्ट बैरियर. तो आपकी गाइडलाइन तो बेसिकली आपकी ये कॉपी है कि आपको कौन से फ्रेम सिलेक्ट करने हैं. एंड योर गाइडलाइन इज ऑल्सो द इमेजेस दैट एक्चुअली कम्युनिकेट द मेन आइडिया. तो शुरू में उसने अपना मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट दिया कि वाई दिस कैंपेन वॉज लॉन्च्ड. ये उसने मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है. बाय नाउ पब्लिक एपथी, अब ये उसका इज द बिगेस्ट बैरियर. यहाँ से वो अपने आप एज यू मूव ऑन यू वुड रियलाइज कि उसने अपनी क्रिएटिव स्ट्रेटजी बताना शुरू कर दी है, राइट. और क्रिएटिव स्ट्रेटजी में वो अब उसमें आप देख रहे हैं कि टारगेट ऑडियंस आपका पब्लिक एट लार्ज है और साथ में ये कॉपी लिखी हुई है. सो आई वुड सजेस्ट कि जस्ट सिलेक्ट अ फ्यू फ्रेम्स एंड डू सिलेक्ट द फ्रेम दैट एक्चुअली शोज द ब्रांड नेम. इस फ्रेम को डू नॉट मिस एट ऑल, राइट, बिकॉज इसमें यू कैन सी के कैंपेन का टाइटल क्या है, ऊबर ईट्स फूड ड्राइव. और इसमें आपको ये एक पर्टिकुलर लोगो नज़र आ रहा है. सो इन दिस पर्टिकुलर फ्रेम यू आर ओनली सीइंग योर ब्रांड नेम और कैंपेन टाइटल एक्सेट्रा. सो प्लीज़ रियलाइज के दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेम्स ऑफ दिस केस स्टडी. वेर एवर यू सी द ब्रांड डू नॉट मिस इट, ठीक है. उसके बाद आपको ये नज़र आ रहा है ऊबर फूड ड्राइव के कहाँ पे somebody is sitting who is hungry and had not food. तो somebody is placing an order के ऊबर जो है यहाँ पे should make this delivery. तो मैंने आपसे सिर्फ ये कहा कि अब मैंने ये आपको एक आप कहें कि दिस इज़ अ केस स्टडी मेड बाय पिक्चर के नीचे स्क्रीन शॉट लेकर डिस्क्राइब जी जिस जो आपसे मैं डिस्क्रिप्शन मांग रही हूँ उसको फिल्म एंड टीवी के अंदर उसको हम कहते हैं स्क्रीन प्ले. स्क्रीन राइटिंग का ही हिस्सा है ये भी एक किस्म का, लेकिन एडवर्टाइजिंग के लिए आई सेड के मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर यूजिंग द वर्ड कॉपी, ठीक है. तो आप इसमें बेसिकली जो आप फ्रेम सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें यू आर सेइंग ये देखें ये बैग भी नज़र आ रहा है. सो दिस गाय प्रोबेबली डिलीवर्ड इट टू हिम एंड यू कैन से के दिस ओल्ड मैन हैड अ स्माइल ऑन हिज फेस. ही एक्सेप्टेड द बैग. द ओल्ड मैन एक्सेप्ट द बैग विद अ स्माइल. और उसके बाद उसके नीचे आप लिख दें फिर दिस देर इज अनदर पर्सन मेकिंग अ डिलीवरी, ठीक है. और फिर आपने ऊबर ईट्स विल यूज ड्राइवर्स टू डिलीवर. तो ये प्रोबेबली इज एन एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द कंपनी, ठीक है. तो आप यू कैन से के सीन नंबर मे बी 19 द सीईओ ऑफ ऊबर अनाउंसेस द कैंपेन, ठीक है. एंड ही सेज दैट ऊबर ईट्स विल यूज ड्राइवर्स टू मेक डिलीवरीज, ठीक है. अब आई थिंक बाय नाउ इट इज़ क्लियर कि मैं आपसे क्या कह रही हूँ. और यहाँ जी मैम सिर्फ एक चीज पूछनी थी, जैसे आप कह रही हैं फ्रेम नंबर 19 या जो भी है, सो विल वी लाइक काउंट द होल फ्रेम्स फर्स्ट ऑफ द वीडियो. देखें मैंने आपसे कहा ना हम शॉट लेके मतलब स्क्रीनशॉट लेके देन वी कैन राइट डाउन. देखें अस्मा मैंने कल जो मैंने ये असाइनमेंट पोस्ट की आपको, ये मुझे रेप्लिका असाइनमेंट पोस्ट इस वजह से करनी पड़ी कि यू गाइस वर कंफ्यूज्ड कि आप अपने वाले की कॉपी कैसे लिखेंगे, ठीक है. I decided कि मैं आपको I ask you to go through certain case studies, ठीक है, certain case study videos made by someone else. अब आप ये देख रहे होंगे कि Google Classroom में मैंने कल जो एक assignment post की है उसमें मैंने I have assigned everyone a different case study, ठीक है. तो ये बड़ा ज़रूरी था ताकि आप लोग individually you go through your the case study that you are assigned और जब आप उसके उसको देखेंगे ये वाली थी असाइनमेंट. हाँ तो ये इस असाइनमेंट में मैंने आपसे कल सिर्फ ये कहा कि नंबर वन ओपन द केस स्टडी वीडियो फ्रॉम द लाइब्रेरी. ये सारे केस स्टडी वीडियोज जो मैंने आप लोगों को असाइन किए हैं ये नज़र आ रहा है अदनान हाशिम कोकोकोला कॉन्टूर डिजिटल कैंपेन एहसन ताहिर ऊबर फूड ड्राइव कैंपेन अलना केएफसी मदर्स डे कैंपेन. तो आप ये देखेंगे कि इन सारों में से आई वुड सजेस्ट कि सबसे पहले यू
प्ले दिस कैंपेन एंड मेक नोट्स, इसकी फुल कॉपी लिख लें. तो मेरी आपको सजेशन वन यही है कि ये जो ऊबर फूड ड्राइव है इसको प्ले करके इसकी कंप्लीट कॉपी लिख लें. प्लीज रिमेम्बर कि इफ आई एम आस्किंग यू टू राइट कॉपी, तो कॉपी को आपने मुझे एक सेपरेट पेज पे ही देना है. डू नॉट थिंक कि मैंने कॉपी लिख दी अंडरनीथ द फ्रेम तो दैट इज गुड इनफ. मैम ये कॉपी और डिस्क्रिप्शन में क्या डिफरेंस है? कॉपी में तो आप वॉइस वाले पार्ट्स लिख रहे हैं ना कि बोला क्या जा रहा है, टेक्स्ट कौन सा स्क्रीन पे. आप यहाँ पे इस एड में देखें, ये स्क्रीन पे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, राइट? सो डिस्क्रिप्शन इज विजुअल और जो कॉपी है वो टेक्स्टुअल है, राइट? ये टेक्स्ट है. सो यू मस्ट रिमेम्बर कि सीन डिस्क्रिप्शन अबाउट इज अबाउट द इमेज. मैंने आपसे कहा कि टेल मी. सो सबसे पहले जब एड एजेंसी में कोई कैंपेन या टास्क आता है तो क्लाइंट सर्विस आस्क्स द क्रिएटिव डायरेक्टर के वो उसको कैंपेन आइडियाज दें. तो क्रिएटिव डायरेक्टर जो है वो राइट्स कॉपी. मे बी द क्रिएटिव डायरेक्टर रोट दिस कॉपी फॉर दिस ऊबर फूड ड्राइव 2016 केस स्टडी. ठीक है, अब ये कॉपी यहाँ से स्टार्ट हो रही है. फॉर इंस्टेंस इन कैनेडा 40% ऑफ द पॉपुलेशन गोज हंग्री एटलीस्ट वंस अ वीक. तो जब ये उसने क्रिएटिव डायरेक्टर ने सबसे पहले कॉपी लिखी एंड आफ्टर राइटिंग द कॉपी क्रिएटिव डायरेक्टर ने शेयर किया इस कॉपी को विद क्रिएटिव डायरेक्टर ऑडियो विजुअल या इवन विद द डिज़ाइनर्स एंड आस्क देम टू प्रिपेयर अ स्टोरी बोर्ड. ठीक है, तो जब क्रिएटिव डायरेक्टर से काम जाता है डिज़ाइनर्स एंड क्रिएटिव डायरेक्टर ऑडियो विजुअल के पास तो दे स्टार्ट डूइंग दिस टाइप ऑफ वर्क. सो मैं आपसे ये कह रही थी कि प्लीज़ ट्राई अंडरस्टैंडिंग के सबसे पहले क्लाइंट सर्विस गेट्स द जॉब. क्लाइंट सर्विस ब्रिंग्स द जॉब टू क्रिएटिव डायरेक्टर. क्रिएटिव डायरेक्टर राइट्स द कॉपी एंड देन क्रिएटिव डायरेक्टर पासिस ऑन दिस वर्क टू डिज़ाइनर्स एंड क्रिएटिव डायरेक्टर ऑडियो विजुअल इफ अ वीडियो हैज़ टू बी मेड. तो जो डिज़ाइनर है वो इसके पोस्टर्स, आउटडोर कैंपेन सारी चीज़ें करना शुरू कर देगा एंड इफ देयर वॉज रेडियो और टीवी कमर्शियल तो वो क्रिएटिव डायरेक्टर ऑडियो विजुअल उस पर काम करना शुरू कर देगा. सो स्टोरी बोर्ड पार्ट में तो डिज़ाइनर आपको ये स्टोरी बोर्ड बना के दे देगा जिसमें प्रॉबेबली यू विल सी के यहाँ पे टू पीपल आर सिटिंग हियर, वन पर्सन इज सिटिंग देयर एक्सेट्रा एंड समबडी इज मेकिंग यू नो यू कुड सी सेल फोन इन समबडीज हैंड. सो यू आर एक्चुअली सेइंग कि दिस पर्सन इज प्लेसिंग द ऑर्डर के ऊबर शुड डिलीवर फूड टू सच एंड सच पर्सन सिटिंग एट सच एंड सच प्लेस. तो मैं आपसे ये कह रही थी कि जॉब इज एक्चुअली डिवाइडेड अमंग डिफरेंट पीपल विद इन द एड एजेंसी. सो क्लाइंट सर्विस ने काम लिया, क्लाइंट सर्विस हैंडेड इट ओवर टू क्रिएटिव पीपल. क्रिएटिव डिपार्टमेंट ने कॉपी लिखी, कॉपी गोज टू डिज़ाइनर्स एंड क्रिएटिव डायरेक्टर ऑडियो विजुअल एंड दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग द कैंपेन. या अगर केस स्टडी वीडियो बनाना है तो फिर दे विल स्टार्ट एडिंग फ्रेम्स कि हमें जो कॉपी मिली है वी विल शो एन ओल्ड मैन हियर द लोगो हियर प्लेसिंग ऑर्डर का जो फ्रेम है दैट इज हियर सो एंड डिलीवरी ऑफ फूड इज शोन राइट हियर. तो आपसे मैं ये कह रही हूँ कि अ फ्यू डिफरेंट पीपल आर डूइंग ऑल दीज टास्क विद इन द एड एजेंसी बिकॉज इट्स अबाउट टीम वर्क. कोई क्वेश्चन है अभी तक? मैम एक तो मुझे आप बताएं कि इसके मार्क्स होंगे क्योंकि आपने ऊबर ड्राइव वाला केस तो सारा बता दिया, तो मैं क्या करूँगा? एसन इसके बिल्कुल मार्क्स होंगे और आपसे मैंने बिफोर टॉकिंग अबाउट यू नो हमने अभी जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट की इसमें आपको मैंने मेंशन किया, ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये जो आपको मैंने एक्सरसाइज दी है इसमें आपको अभी तो 100 पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं विच विल बी 10% एंड प्रॉबली मैं इसके मार्क्स इंक्रीज कर दूँगी फ्रॉम 100 पॉइंट्स बिकॉज इट्स इसेंशियल कि यू अंडरस्टैंड कि वॉट इट इज़ अबाउट. ठीक है, सो मैंने आपसे मेरा तो ऊबर ड्राइव ही था तो अब मैं क्या करूं? आपने तो कोई बात नहीं, तो आपने आपका आपको ये काम करना है. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट वेल टू यू राइट नाउ कि आप क्या करेंगे. देखिए नंबर वन पे इट सेज कह रहा है कॉपी,
आपने प्लीज रिमेम्बर कि मैं आपकी, अगर आप मुझे कहते हैं कि मैडम कॉपी इज रिटन अंडर द फ्रेम, तो मैं आपकी ये एक्सक्यूज एक्सेप्ट नहीं करूंगी. आई वांट टू रीड कॉपी सेपरेटली एंड ऑन वन पेज, बिकॉज मैंने आपसे कहा कि क्लाइंट सर्विस एग्जीक्यूटिव ब्रिंग्स द वर्क टू क्रिएटिव डिपार्टमेंट, एंड क्रिएटिव डायरेक्टर या क्रिएटिव मैनेजर जो भी है, ही और शी राइट्स द कॉपी फर्स्ट. तो मुझे आपसे आपकी इसकी जो कॉपी है ऑफ दिस केस स्टडी, आई वांट टू सी कॉपी ऑफ द केस स्टडी सेपरेटली रिटन. तो आप मुझे कॉपी को सेपरेटली ही सबमिट करेंगे एंड देन यू विल डू द स्टोरी. मैम फ्रेम मिनिमम कितने होने चाहिए? यहां पे सम फ्रेम्स लिखा हुआ है. देखें अस्मा, मिनिमम और मैक्सिमम की लिमिट मैंने आप लोगों पे नहीं लगाई, बट वॉट यू कैन डू कि ये आप देख रही हैं कि ये 1 minute and 39 seconds लॉन्ग है. ठीक है, देर आर सर्टन केस स्टडीज दैट आर लॉन्गर, 3 minutes की केस स्टडी भी है. सो मेक श्योर कि आपने, मैंने आपसे भी कहा कि आपने ये कॉपी कंप्लीट करनी है. ठीक है, कॉपी के अलावा आपको फ्रेम्स भी कंप्लीट करने हैं. सो फॉर इंस्टेंस आप देख रहे हैं फर्स्ट फ्रेम ये था, तो आपको ओपनिंग फ्रेम तो हर सूरत चाहिए. दिस इज वेयर इट ओपन्स, राइट? आपको ओपनिंग फ्रेम भी हर सूरत चाहिए, और ओपनिंग फ्रेम के बाद आपको ब्रांड जहाँ जहाँ नजर आ रहा है वो सारे फ्रेम्स चाहिए. ये देखें क्लोजिंग फ्रेम पे भी आपको ब्रांड नजर आ रहा है, एंड देन ऑल इम्पोर्टेंट फ्रेम्स यू वांट अस टू कवर. यू शुड कवर ऑल इम्पोर्टेंट फ्रेम्स, फ्रेम्स दैट शो चेंज, यू नो. तो हो, अगर हो सकता है कि यू एंड अप, आप कहें कि ओ मैडम इट हैज़ 40 डिफरेंट फ्रेम्स, तो मैं आपको 40 तो नहीं कह रही, बट यू शुड हैव सब्सटेंशियल नंबर ऑफ फ्रेम्स दैट एक्चुअली कवर्स द स्टोरी. ठीक है, अब अभी तो आई हैवंट आस्क यू टू गो आउटसाइड एंड टेक पिक्चर्स, वरना अदरवाइज यू विल बी प्रोबेबली going out on a research around, you know, you'll go in the city and see where to find people. Ab ye frame important hai because you are placing the order here, and it also okay. shows ke this food costs $12 only. theek hai, aur aapko ye upar likha hua nazar aa raha hai Uber Eats. So remember ke any shot that shows name of the brand is very important. Halanke ye Uber Eats food drive thi na, so you can see Uber Eats on top. एंड ऑर्डर यहाँ प्लेस किया बिशप एंड बिली, और यहाँ पे आपको नीचे टेक्सस स्टाइल बारबेक्यू भी नजर आ रहा है. सो यू नो के दिस इज अ रियल अमाउंट भी है, एंड इट्स अ रियल प्लेस एंड अ रियल कैंपेन. नाउ समबडी इज सिटिंग प्रोबेबली एट होम, ठीक है, इस शॉट में समबडी इज डिलीवरिंग द मील. तो ये प्लेसिंग ऑर्डर डिलीवरिंग मील ऐसे फ्रेम दैट एक्चुअली कवर, यू नो, की आइडिया. फिर ये इसकी एक न्यूज बन गई, राइट? और फिर इसको ये इसने अनाउंस किया. फिर ये आप देख रहे हैं कि क्लोज शॉट ऑफ फूड बैग, ठीक है, डॉगी बैग या जो भी आप कह रहे हैं. फिर नाउ यू आर सेइंग कि जी ये वो फ्रेम्स हैं जो मैंने आपसे कहा था कि आई वांट टू सी मेजरमेंट्स एंड रिजल्ट्स. ठीक है, यहाँ पे मेजरमेंट्स एंड रिजल्ट्स, यहाँ पे आपको मेजरमेंट्स एंड रिजल्ट नजर आना शुरू हो गया. यू आर सेइंग कि जी ये यहाँ पे आया, ठीक है. उसके बाद ये और भी ज्यादा पावरफुल मेजरमेंट एंड रिजल्ट के कितने लोग इसमें एंगेज हो गए. सो आई एम सजेस्टिंग कि डू नॉट मिस फ्रेम्स, यू नो. यहाँ पे अब वो आपको कह रहा है कि ओवर 800 मील्स वर डिलीवर्ड वाया उबर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द कैंपेन. प्लीज डू मैम सॉरी टू कट यू, ये जो जैसे ये लिखा हुआ आ रहा है, सो ऑफ कोर्स दिस लाइन वुड बी अ पार्ट ऑफ आवर कॉपी एज वेल. दिस इज पार्ट ऑफ द कॉपी, बट इट इज आल्सो शोइंग योर मेजरमेंट. वो मेजरमेंट्स में मेजरमेंट अलग भी होगा. हाँ, तो आप इसको उसके नाम पूरी डिस्क्रिप्शन देंगे, दिस इज ब्लर इमेज, एंड देन ये देखेंगे, क्योंकि ये आप ये देखें कि ये डिफ्यूज्ड शॉट था ना, डिफ्यूज्ड है फ्रॉम हियर. ये शॉट डिफ्यूजेस, आप लिखेंगे कि शॉट डिफ्यूजेस, दो आपके पीछे अभी कार मूव ही कर रही है, ये देख रहे हैं आप, उबर फूड ड्राइव, इट्स अ मूविंग शॉट, राइट? गाड़ी से लिया है कि आपके फ्रंट से आप ये देख रहे हैं, इट्स अ मूविंग कार, एंड ओवर 800 मील्स वर डिलीवर्ड वाया उबर अपीयर्स ऑन द स्क्रीन. ठीक है, और सो यहाँ पे तो इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कि आप मुझे एक बनी बनाई केस स्टडी का यू क्रिएट स्टोरी बोर्ड, इसको यूज करके टेक ऑल नेसेसरी फ्रेम्स दैट कवर योर स्टोरी. और ये देखें, फिर इस पे सेलफोन पे दोबारा उबर नजर आया. तो मेरी आपको ये सजेशन है, यहाँ यू कैन सी द मैप,
सो द पर्सन इज सिलेक्टिंग यू नो कि कहाँ पे क्या डिलीवरी करनी है और ये putting hand on the shoulder of probably a hungry old man. Gestures. Deliver kiya. Gestures, important gestures, because he emphasized apathy in his creative strategy. So aapko anything which is relevant, you should try covering. Theek hai? Okay. Maine ye kaam karna tha end of the session. Aapne 40 minutes start of the session le liye. So we will not go back to it. ठीक है जी बताइए मैम हमें रिटर्न में मिल सकता है कॉपी रिटर्न का सैंपल कॉपी राइटिंग का राइट सऊद देखें मैंने आपको सिंपलीफाई कर दिया आई एम आस्किंग राइट दिस कॉपी फर्स्ट मैंने आपसे कहा कि आई विल नॉट एक्सेप्ट कॉपी in a manner ke copy is written under the frame I said I want to see copy separately because that is the first task an ad agency does after getting the job theek hai so that's why I said ki aap sabse pehle it says submit copy do items mein copy of the said case study so aap sabse pehle copy of the case study jo aapko assign hui hai you will write copy of that case study ठीक है वो आप मुझे सेपरेटली देंगे एंड यू विल आल्सो गिव मी स्टोरी बोर्ड ऑफ द केस स्टडी जिसके लिए मैंने आपसे कहा है आपने फ्रेम कैप्चरिंग करनी है और उसके नीचे डिस्क्रिप्शंस लिखनी है राइट सो व्हाट आई विल डू आई विल मेक इट 150 पॉइंट्स कॉपी सेपरेटली मिलेगी तो मैं उसको वो 5% मार्क्स दूंगी राइट और अगर आप कॉपी सेपरेटली नहीं देंगे तो फिर ये 5% मार्क्स भी नहीं मिलेंगे So right now I said ke copy ke main aapse I will accept copy separately and storyboard chunki zyada thoda sa kaam karna padega to usko maine 10% kar diya okay any question aur ye jo niche jitne items likhe hain these are about the storyboard should tell the story should contain frames jo maine aapko abhi kafi detail mein explain kar diya ki storyboard mein aapne kya karna hai but please remember copy should be submitted separately jab aap ye kar lenge to saud aapka jo abhi question tha ki you wanted a sample of the copy to aapke samne to aapki puri class abhi ek class mein kitne log hain class mein how many people 26 ji 25 ha to 20 aap dekhen ki jab ye aap log ye assignment complete karenge main me question ji bataiye मैम ये जो कॉपी लिखनी है इसमें वो हेडिंग्स देनी है मार्केट कॉन्टेक्स्ट क्रिएटिव स्ट्रेटजी नो 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 नॉट एट ऑल कॉपी लिखने को कहा है आपसे मार्केटिंग प्रपोजल मांगा ही नहीं आपसे कॉपी मांगी है आई सेड कि जो भी वीडियो में साउंड है सिर्फ उसको हम एज इट इज लिख आपने ये लिखना है व्हाट यू कैन डू जो यहाँ पे आप सुन रहे हैं और जो यहाँ पे जो कुछ आप सुन रहे हैं देखो यहाँ से chronic hunger one in nine people अदनान एक अदर वर्ड स्क्रिप्ट को कॉपी कहते हैं एडवर्टाइजिंग में एग्जैक्टली जिसको आप स्क्रिप्ट कह रही हैं ना वो स्क्रिप्ट उसको हम नहीं कहते अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसी अगर कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रही होती तो डॉक्यूमेंट्री के लिए दे वुड प्रोबेबली स्टिल से कि जी डॉक्यूमेंट्री का स्क्रिप्ट दे दें बिकॉज दैट्स अ डॉक्यूमेंट्री एंड इट्स अ लॉन्ग वन ठीक है लेकिन जब आप यूज़ करते हैं पोस्टर्स आपके होल्डिंग्स आपके ब्रोशर्स एक्सेट्रा तो आप इवन जो आप डिजिटल या सोशल मीडिया पे जो जितनी कैंपेन देख रहे होते हैं उसमें जिसको आप स्क्रिप्ट कह रहे हैं दैट इज एक्चुअली योर कॉपी वन इन नाइन पीपल सफर फ्रॉम क्रॉनिक हंगर ये जो आप सुन रहे हैं दैट इज योर कॉपी एंड आई एम सेइंग कि आप ये कॉपी और इसके साथ जो स्क्रीन पे लिखा हुआ नजर आ रहा है स्क्रीन पे जितनी चीजें लिखी नजर आ रही हैं वो आप मुझे टेक्स्ट जितना है वो आप मुझे लिख के देंगे सेपरेटली So I said for this part, आपको मैंने कहा कि 5% marks जो हैं वो for copy हैं and 10% marks हैं for storyboard. So I want to see these two things separately submitted. By the time you complete this assignment, हम 2 weeks from now, we will go through all storyboards and copies. आप लोग submit भी कर देंगे तो हम उसको quickly देख भी लेंगे. So you will have 20
26 samples in front of you, ठीक है? क्योंकि 26 लोग मुझे copy and storyboard submit कर रहे हैं only of their case study. जी, एहसन ताहिर? Yes, ma'am, present. अलेना? जी, अलेना नहीं है. अरसल? Present, miss. अस्मा? I'm present. Faisal? Present, ma'am. Haseeb? Present. Hasnain Ghafoor? Madiha? Miss, my present. आपको मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, आप प्रेजेंट ही हैं अभी तक यहाँ पे. मदीहा सरफराज, मोहम्मद अहमद हफीज, प्रेजेंट मैम. अम्मार, यस मैम. काजिम, प्रेजेंट मैम. नॉरेज, प्रेजेंट. जिशान, प्रेजेंट मैम. मुजना, प्रेजेंट. रुबाब, प्रेजेंट. सानिया, प्रेजेंट. सऊद, प्रेजेंट. शहीद जी, शहीद फिर ड्रॉप हो गया. शारफा, प्रेजेंट मैम. शमाइला, प्रेजेंट मैम. सुंदस, प्रेजेंट. नवाजिश, प्रेजेंट मैम. तूबा इधर ही है लेकिन उसका इंटरनेट में बहुत इशू है कि आवाज नहीं आ रही. ऑलराइट, ज़ाहरा, प्रेजेंट. मैम शहीर अभी आया था, मैं कल से उसकी दोबारा कॉल ड्रॉप हो गई है. मैम तूबा मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो गया था. तूबा आपकी अटेंडेंस तो मैंने लगाई है, सिर्फ दो लोग एब्सेंट हैं. अच्छा, मैं कुछ 4-5 दफा डिस्कनेक्ट हो चुकी हूँ, काफी इशू कर रहा है इंटरनेट. अच्छा, आई थिंक व्हाट यू कैन डू के इफ यू हैव ईथरनेट, हम तो वायरलेस पे चलते हैं ना सारे आजकल. So, आपकी इतनी बड़ी क्लास विदाउट इथरनेट हो नहीं पा रही थी. आई ट्राइड, सो आफ्टर सच अ लॉन्ग गैप, मेरा ख्याल है कि 15-20 साल के बाद दोबारा केबल इस्तेमाल करनी पड़ी बिकॉज ऑफ दिस रीजन. आई होप के असाइनमेंट इज क्लियर एंड आफ्टर वी डू दिस एक्सरसाइज एवरीबडी वुड बी मोर और लेस रेडी टू राइट कॉपी फ्रॉम हिज ओन हर ओन केस स्टडी, राइट? मैम एक और चीज, अगर आपके पास पहले इसके कुछ सैंपल्स पड़े हैं तो मैम प्लीज वो भेज दें हमें. काजिम, ऐसा है कि दीज आर द सैंपल्स. आप गूगल क्लासरूम में जब जाते हैं तो व्हेन आई से टू यू के यू हैव प्लेंटी ऑफ मटेरियल्स इन द लाइब्रेरी, तो बेसिकली लाइब्रेरी में मैंने आपको द लाइब्रेरी इज लोडेड विद ऑल काइंड ऑफ सैंपल्स. आप देख रहे हैं, इट सेज वीडियो वीडियो वीडियो, तो ये कोई 60 वीडियोस हैं, केस स्टडी वीडियोस यहां पे. मैम ये तो वीडियोस है ना, लेकिन वो जो उसका कॉपी के जो सैंपल्स है और स्टोरी बोर्ड के. मुझे ये बताइए कि इतनी देर से मैं ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया, हैव यू हर्ड माई कॉन्वर्सेशन विद द क्लास? जी मैम, हर्ड. तो जब मैंने आपसे कहा कि आप यू राइट दिस कॉपी, दिस कॉपी बिकम्स योर फर्स्ट सैंपल, आप इस कॉपी को देखेंगे यू वुड रियलाइज के 1 मिनट एंड 39 सेकंड्स में दिस केस स्टडी कवर्स एवरीथिंग दैट इज नॉर्मली रिटन इन द एसे. तो आपने जो भी केस स्टडी एसेज लिखे हैं उसकी ये कंसाइज सबसे छोटी फॉर्म इज द वीडियो. वीडियो में यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप जब केस स्टडी ऐसे लिख रहे थे बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब करनी पड़ी थी, बट वीडियो एक्चुअली शोज देम. फॉर इंस्टेंस आपको अब क्रिएटिव स्ट्रेटजी में यू आर नॉट राइटिंग इन डिटेल के दिस लुक्स लाइक अ हंग्री वुमन और दिस लुक्स लाइक यू नो लाइक अनदर मैन
who has nothing to eat, etc. आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आ रही हैं जो लोग रोड साइड पे बस साइड पे, तो इसमें आपकी क्रिएटिव स्ट्रेटजी, यू हैव टू राइट दिस कॉपी फर्स्ट. ओके, आपने ये कॉपी जो है आपको ट्राई सबमिटिंग कॉपी, तो आप यू गाइस शुड ट्राई कि यू अपलोड कॉपी बाय टुमारो. एक दिन काफ़ी होगा कि आप. Ma'am, it's like whatever is written on in the video, we have to write it and submit it to you, right? You, Sara, text whatever whatever is written and whatever you are hearing, voice and text. आप cover करना है. यहाँ पे there may be voice, ठीक है? There is there is nothing written on the screen. So you are writing what you are hearing. And at the same time, at places, you are also seeing something on the screen. So yahan pe you are hearing something and also us voice ka jo part likhne ke beech mein, aap bracket mein likh dein ya waise likh dein ya separately likh dein ke public apathy is the biggest barrier appears on the screen. ये आप कॉपी के बीच में इस किस्म की चीजें लिखेंगे, राइट? आपने आपका कॉपी unless ये उसने वॉइस में कह दिया. अगर वॉइस में कह दिया तो आप लिख सकते हैं कि इट आल्सो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन. व्हाट इफ देयर वाज अ वे टू मेक इट इजी. ये देख रही है जो बोल रही है वही लिखा हुआ है. बट इफ देयर वाज अ वे टू मेक इट इजीियर टू हेल्प. डियर टू हेल्प. ठीक है मैम, हमने इसमें सीन्स का भी डिस्क्राइब करना है ना कि हम यूजिंग यूबर. प्लीज प्लीज कॉपी में सीन नहीं डिस्क्राइब करना. आई सेड आई वांट टू सेपरेटली रीड कॉपी. ओके मैम. इवन आप देखें कॉपी में अगर वो जो चीज बोल रही है वो स्क्रीन पे लिखा हुआ है तो आपको कॉपी में स्क्रीन पे लिखी हुई चीजें लिखने की जरूरत नहीं है. इफ द व्हाट्स रिटन ऑन द स्क्रीन एंड व्हाट यू आर हियरिंग इज द सेम देन ओनली राइट व्हाट यू आर हियरिंग. लेकिन जब आप स्टोरी बोर्ड कर रहे होंगे तो यू विल से इट अपीयर्स ऑन द स्क्रीन और साथ में आप देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं. सो यू विल राइट बोथ थिंग्स इन द स्टोरी बोर्ड बट इन कॉपी जस्ट राइट व्हाट यू आर हियरिंग अनलेस व्हाट अपीयर्स ऑन स्क्रीन इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट यू आर हियरिंग. इन दैट केस यू राइट बोथ. अगर आपको वो फर्क नजर आ रहा है ना बिटवीन व्हाट यू आर सीइंग एंड व्हाट यू आर हियरिंग, इफ द मैसेज इज रिटन मैसेज इज डिफरेंट देन यू राइट बोथ. ठीक है. वन मोर थिंग मैम, आपने कहा कल कॉपी, सो कल तो मैम थोड़ा टाइम पहले अभी मिडटर्म आज सबमिट करा है. आपसे मैं इस वजह से कह रही हूँ कि कॉपी में आप लोगों को चेंजेस होंगे तो आप हमें बता देंगे जी. अगर कोई चेंजेस होंगे या कोई एरर होगा वो आप कॉपी में एरर क्यों होगा. बट आई वांट यू टू गेट डन विद द कॉपी बिकॉज जो आपका स्टोरी बोर्ड पार्ट है इट विल टेक टाइम. आपको स्टोरी बोर्ड आपको प्लीज चले मैं आपको बता देती हूँ. मैं इंतजार कर रही थी कि पहले आप सबमिट करेंगे फिर मैं बताऊंगी बट आई टेल यू राइट नाउ. फ्रेम हैव अ सर्टन साइज राइट. सो यू कैन नॉट सबमिट स्क्वेयर्स while your screen is a rectangle. Aap dekh rahe hain this frame is a rectangle. So whatever storyboard you make, aapka frame size should be very 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 consistent. You cannot have frames of changing sizes because aapki TV screen ka ya computer screen ka frame does not change every other second. So aapko storyboarding jo hai wo usme you will have to present your formatting skills. Aapka storyboard should be presentable and look beautiful. Wo aapka time lega. So that's why I am suggesting ke aap storyboarding aapke is assignment ki submission mein kitna time hai abhi. 2 weeks hain. Yes ma'am. Agar 2 weeks hain to phir chale main aapko ek ke bajaye 2 din de deti hu for submitting the copy. Ma'am, can we do it on Saturday the classes or can we submit to you on Sunday or Monday? Saturday. मैं आपकी पहली क्लास होती है इस हफ्ते की. सो योर्स इज द फर्स्ट एंड सैटरडे का मैं आखिरी होती है. सो इफ यू कैन गिव इट गिव अस लाइक संडे या मंडे तक टाइम तो दैट विल बी ग्रेट. अस्मा मैम हमारी ना और भी सबमिशंस हैं, वो भी वीडियोस बनाएंगे, ये सारी चीजें हैं. Actually, you have only my class today, do you?
Yes, ma'am. So please do me a favor. Yes, ma'am. आज की क्लास के बाद कॉपी लिख डालें एंड गेट डन विद इट. ओके ठीक हो गया मैम. ठीक है. सो आप इसको गेट डन विद इट बिकॉज़ आई एम टेलिंग यू कि जो स्टोरी बोर्डिंग पार्ट है इट विल टेक टाइम. उसको आप बेशक सैटरडे को स्टार्ट कर दें, संडे को स्टार्ट कर दें, बट गेट डन विद द कॉपी पार्ट. क्योंकि आप कॉपी को जो अंग्रेजी में है यू विल राइट इट इन इंग्लिश, जो उर्दू में है प्लीज मैं हैंड रिटन एक्सेप्ट नहीं करूंगी. टाइप मैम हमें नहीं लिखना आता टाइप उर्दू अगर हुआ तो. मेरा ख्याल है कि जो मैंने आपको दी हैं उनमें से कुछ भी उर्दू में नहीं है. आई थिंक ऑल ऑफ देम आर इन इंग्लिश. सो ऑल ऑफ देम आर इन इंग्लिश. सो अगर किसी का उर्दू में है तो गुड. Let's see कि आप थीसिस में क्या करेंगे. मैम रोमन में लिखते हैं. ओ प्लीज मैं रोमन जो है इट्स टू डिफिकल्ट टू रीड. डोंट टेक अ टेस्ट ऑफ योर टीचर. ओके ठीक है. योर टीचर इज ओल्ड फैशन, पिछली सदी से हैं और शी डजंट रीड रोमन उर्दू. ठीक है. सो यस है मोस्टली सारी केस स्टडीज हैं. फ्रेम साइज के बारे में आपको कॉशियस रहना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू बी केयरफुल अबाउट व्हाट टू राइट अंडरनीथ. प्लीज फ्रेम के नीचे आप देखें, यहाँ पे बहुत थोड़ी सी जगह है तो रीजनेबली ही नीचे रखिएगा बिकॉज इट लुक्स ब्यूटीफुल. अगर आप आधा इंच नीचे लिखेंगे इट वुड स्टार्ट लुकिंग बैड. तो आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स मैटर के किस फ्रेम की इंफॉर्मेशन उसके साथ है. Then you can put two frames on one page or you can put three or six frames on one page. Make sure it is readable. Mera aap eye test na lena shuru kar dijega. Okay. Ye jo aapne storyboard wali jo cheez aapne kiya jo main 2 weeks ke baad submission hai, that will be on Word or you want it on PPT? जो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो यू कैन डू. बिकॉज़ वी प्रेजेंट तो नहीं करेंगे ना. हां नहीं हम आप सब लोग शो तो करेंगे ना. मैंने आपसे कहा कि 2 वीक्स फ्रॉम नाउ वी विल गो थ्रू एवरीबॉडीज स्टोरी बोर्ड, व्हिच मींस कि आपका सबमिशन डेट में अगर इस वक्त सबमिशन डेट है वेंसडे तो आई विल मेक इट ट्यूसडे. ओके ताकि आप एक दिन पहले आप सब लोग उसको अपलोड कर देंगे यहां पे. All right, it says 22nd, I'll make it 21st. Taki 22nd ko when class starts, we can go through everybody's storyboard. Or we can also look at everybody's copy. Theek hai? Okay. Or 2 weeks from now, please koshish ye kariyega ke ye jo aapko 3 ke niche 4 nazar aa raha hai, usko dekh lijiyega. So by the time... उसको आप चले हम विल डिस्कस इट नेक्स्ट वीक कि आप उसको क्या देख लें. क्रिटिकली देख रहे होते हैं आप अपने काम को कि आपका काम क्रिटिकली वेयर इट स्टैंड्स. क्योंकि सम ऑफ यू मे वांट टू डू थीसिस बाय रिसर्च. ठीक है. एंड सम ऑफ यू मे वांट टू डू प्रोजेक्ट्स इन द एंड. तो आपको क्रिटिकल थोड़ा सा अवेयरनेस होनी चाहिए हाउ टू हैंडल क्रिटिकल इश्यूज इन रिगार्ड्स टू योर creative work or advertising campaigns etc. Okay, so can we go back to the presentations now? Hamara ek ghanta nikal gaya, so it seems ke hum shayad sabke presentations na le sake. Theek hai. Okay, kahan pe the hum, kaun reh gaya tha? Ma'am Ahmed Hafiz. Ahmed Hafiz, Mohammed Ahmed Hafiz. बिल्कुल मैम. अहमद ये आपका ये आ गया काम. ओके अस्सलाम वालेकुम क्लास, आई एम मोहम्मद अहमद हफीज एंड आई विल बी प्रेजेंटिंग माय केस स्टडी ऑन द ब्रांड मास्टर मल्टीफॉर्म. द टाइटल ऑफ माय एसे इज मास्टर मल्टीफॉर्म यूजेस क्रिएटिव सीएसआर कैंपेन टू रिगेन इट्स ब्रांड. मैम प्लीज market context. So starting from the market context, Master Multiform is one of the largest manufacturing brand of bedding accessories and mattresses. Particularly the brand has the USP of being rich in history and producing high quality mattresses. Branded mattresses and medicated bedding accessories are a luxury in Pakistan and not everyone can afford to buy them. Therefore, the target audience of Master Multiform includes the middle class and the upper class. Now, coming towards the problem statement of my case study.
Master Multiform faced a decline in their brand's love, and the key message of a good night's sleep was diluted. These pertaining issues were addressed by Master Multiform through a creative campaign initiated in the last quarter of 2014. So, coming towards the business and marketing objectives, a new marketing strategy was developed to bring back the love for the brand. The objective was to create an image building by identifying and addressing one of the major problems of Pakistan. According to the estimate, nearly 500,000 people were homeless who work in the metropolitan cities of Pakistan and slept on the hard pavements. They have hard lives to live, hard work to earn, and hard bed to sleep on. So the role of the campaign was to show the message that the Master Multiform cares for the well-being of the poor people. They not only care for those who buy the brand, but also who are incapacitated to fulfill their basic need for a good night's sleep. So the Master Multiform strived for a campaign based on empathy in the pursuit of emotional connection to achieve the desired goal. The company went with an idea of creative campaign, which was merely a CSR. It was primarily focused on image building. So starting with now the creative strategy. As you can see, creative campaign in which they installed the outdoor weatherproof beds for the laborers. They formulated a strategy to help the people who deserve it the most. It was one of its kind creative campaign as they introduced a new concept, which was world's first bill bed. A bill bed was designed from the product itself. They were installed at 150 different locations in 9 metropolitan cities of Pakistan that cost the brand nearly $20,000. The bill bed worked as a billboard and advertising showcase for the brand during the day. When the workers came back at night from the tiresome routine, they flipped the bill bed horizontally, transforming into a comfortable bed. Now coming towards the next slide, you can see that different visuals from the that they actually but that what actually they displayed and installed at different locations. Next slide, please, ma'am. So this is the video of the creative campaign. Can you play this? It's a YouTube link. This is a story of a divide between those who have it all and those who have nothing. Millions of laborers come to metros every year trying to give their children a better future. Earning less than $1 a day, most of it is sent back home with barely enough left for themselves. You see pockets of these laborers sleeping on pavements at night. Hard work, hard lives, hard beds. Is it sufficient ke baki bhi play karna? Ma'am, I believe that my majority of the class fellows have already seen this video. So coming towards the next heading, the communication matrix. So the campaign was communicated through a documentary that went viral on different channels. The campaign achieved more than what it hoped for, with endorsement from celebrities, politicians, to blogs and websites. It was primarily measured through social media engagement and the public relations it got. Blogs and articles were published in different websites, including the Mango Bars, Defense.pk, Ad Forum, Aurora, Brand Scenario, HipInPakistan.com. The documentary had a viewership of 138K views, and it also created buzz on Twitter with the trend "Good Night Sleep for All." As you can see, that tweet of the current Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan, that
a great initiative with the hashtag Good Night Sleep for All. So this made a buzz on Twitter and endorsement from different celebrities, including the politicians and different designers. So now coming towards the result. As you can see, the aim of the objective of the campaign was an image building, but therefore it impacted the different other factors. For example, the sales of after this campaign, it increased by 2%. Now this is a very big number considering that Master Multiform products are a life event products. So the sales increased by 2%. The brand's love, the main problem statement was addressed, and the brand's love increased by 68%. The purchase intent for the brand increased by 82%. Now these are the factors. Now this has been taken from spikesasia.com. Now not only the financial statements of the company inflated, but it also made an impact on the lives of the laborers. As you can as you know that a good night's sleep is mandatory to perform our daily tasks. The worker felt to be more productive during the day as they had a good night's sleep. According to different testimonials recorded, they felt more comfortable. They felt more fresh during performing their task. As you know, since it is compulsory for sound health, making the muscles relax as the body repairs itself. The overall freshness in the body results in more productivity and more earning for hard workers. The campaign made a difference with some notable achievements. Added to this, the distinguished campaign won a Bronze Lion Award at the Cannes Lions 2015 Awards. So now coming towards the key learnings. The idea of a creative campaign integrated with CSR paved the way for the brand. An emotional connection hinges on empathy, and the brand did with absolute grace. Master Multiform intends to broaden the circle of this campaign, helping the different segments of the society. Thank you, sir. Ji, questions? No, ma'am. No, ma'am. All right. Ahmed Hafiz? Yes, ma'am. What was the key cause behind this campaign? Did it happen because Diamond Foam was giving them tough competition, or their sales were dropping? Ma'am, the key thing that they have mentioned after reading my different articles on this campaign was that the brand love was decreasing. They haven't defined what they meant by the by the definition of brand love, but according to different articles I have read, the only thing that was mentioned that was a brand love, and also added to this that the first build bed was installed by BBD of Pakistan. It was by the agency itself. The idea was it was appreciated by the Master Multiform once they heard. So they went on with this campaign and collaborated with the BBD with their financial help. All right. So did they identify 150 locations, or were they 150 beds? Well, they installed 150 beds in the first round, and they have expanded to now they currently they are expanding to different hospitals. So they are putting it near the hospitals? Yes, ma'am, because there is also beds nahi milte wahan pe kabhi kabhar aur is tarah jaise hospitals ke halaat hote hain is wajah se. So in which city was this campaign launched? Ma'am, in 9 different cities. It included most of the metropolitan cities. Isme Gujranwala bhi tha, Rawalpindi bhi tha, aur mujhe bilkul exact naam yaad nahi, lekin wo maybe maine mention shayad essay mein kiya. Ha, so were 150 beds divided in all these different cities, or 150 beds were placed in one of these cities? Ma'am, divided, it was a spread between 9 cities. So so you are saying 9 cities included Lahore and Gujranwala, did? Yes, ma'am, absolutely, because Lahore is one of the right. So do you have any idea how many homeless people live in Lahore? Ma'am, no, absolutely no, because
the ratio of population to homeless people differ, and Lahore has more population than Gujranwala, and there is no estimate of exactly estimate. So, I haven't found any exact estimate. It was mentioned at as surveyed as a rough estimate. Yes. Okay, so I remember seeing a student's documentary, but that was a few years back. So I would say since then, the numbers have changed. So in the documentary that I saw probably 6-7 years ago, the student was claiming that there were 4,500 homeless people, you'll find them in, you know, like near Minare Pakistan kind of places, etc. Data Darbar. Okay. So by now 4,500 से तो काफी increase हो गया होगा. तो somehow I am feeling कि 150 जो हैं that sounds like interesting because it's a cost to the company. So number is interesting, but I feel कि in a city where thousands of people are homeless, probably I don't know how. 2018 में एक NGO था. जी जी. Excuse me, ma'am. जी जी. लाहौर में NGO का है, ये शेल्टर के नाम से उनकी एक केस स्टडी आई थी 2 साल पहले. उसमें उन्होंने 1,85,000 उन्होंने कहा था होमलेस लोग हैं आउट ऑफ लाहौर की वादी है 11 मिलियन. नो मैम, मुझे फिगर्स तो एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन उसमें मैम जो केस स्टडीज डिफरेंट मैंने आर्टिकल देखा, उसमें जो सर्वे था उसमें जनरल बात की गई थी कि जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है उसमें नियरली अबाउट 5 लाख पीपल जो होते हैं वो होमलेस होते हैं. तो ऑब्वियसली इसको बेंचमार्क रख के हम बड़े सिटीज में कर सकते हैं. गुजरांवाला शहर के लिए शायद ये एप्लीकेबल ना हो, लाहौर के लिए जरूर होगा. बट आई स्टिल थिंक इट वाज अ गुड इनिशिएटिव. सो इफ मल्टीफॉर्म ड्रॉप्ड 150 बेड्स and if there were other companies jo ke jis tarah Uber ne kaha na ke food drive campaign, so actually public at large was buying and making you know buying paying for those deliveries. Theek hai, so yes, I think ke is case mein bhi agar Multiform ne initiative start kar diya to then it is not their job only to provide beds to everyone because it is not feasible. लेकिन एक इनिशिएटिव शुरू कर दिया आपने, कहा कि जी जो था आपकी में इसमें कि द कंपनी हैड रियलाइज कि ब्रांड्स लव इज ड्रॉपिंग, तो इन दैट सेंस के आई थिंक के इट्स इम्पोर्टेंट. तो आप उसमें मेरा ख्याल है कि क्रिएटिव स्ट्रेटजी में आपको, बिकॉज इमरान खान का जो आपने कमेंट दिखाया था नेक्स्ट स्लाइड में उसमें आई थिंक ये वाला था, ये यहाँ पे ना आपने कहा इमरान खान अ ग्रेट इनिशिएटिव. सो बेसिकली मल्टीफॉर्म का काम तो आई थिंक सिर्फ इनिशिएटिव ही था. तो अगर उन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च कर दिया तो पब्लिक कैन कंट्रीब्यूट एंड अदर पीपल कैन आल्सो स्टार्ट. यस मैम, एक और बात मैं ऐड करना चाहूंगा. मैंने कल ही मास्टर मल्टीफॉर्म की वेबसाइट पे देखा, उन्होंने इस कंपेन का लिखा हुआ और उसमें ये भी लास्ट लाइन ऐड किया हुआ कि आप जो भी हमसे चीज खरीदते हैं, हम कुछ भी वो आप जो खरीदेंगे हमसे वो हम कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स बाइंग ऑफ अ बिल बेड या इंस्टॉलिंग ऑफ अ बिल बेड. ये भी एक उन्होंने लाइन, तो वो सो बिल बेड की कॉस्ट कितनी है मैम ये एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ था, लेकिन कंपेन का जो था मैम 2015 में, क्योंकि ये कंपेन प्रॉपर लॉन्च हुई थी तो $20,000 इनकी टोटल कॉस्ट आई थी ये 150 बेड इंस्टॉल करने में. तब डॉलर का प्राइस भी कम थी कंपैरेटिवली, तो लेस देन $20,000 थी टोटल जो फर्स्ट राउंड का जो था. ऑलराइट, सो दैट्स अ लॉट ऑफ मनी. ओके, थैंक यू. थैंक यू जी. एमआर, आप आर यू रेडी टू गिव योर प्रेजेंटेशन? Yes, ma'am. Okay. Assalamu alaikum. So I have selected the brand Candyland's Chile Mili. Local FMCG brand discovering new ways to engage with children and youth using social media campaign. So they sponsored this ad on Facebook, YouTube and Instagram. An agency who covered this ad was Manhattan Communications. So moving on to the marketing context. Candyland was introduced by Ismail Industry Limited, and they are now the largest confectionery brand in Pakistan. They are pioneers in different jellies, which include different categories, lollipop, marshmallow, candies, etc. Candyland throughout the years has generally put resources into advancement and quality, and they are doing the same for their brand's communication. Chili Mili is a famous brand of Candyland among children and youth, mix of sweet and sour jelly, which is being sold in price range of 5 to 10 rupees.
previously the brand only focused on the TVC campaigns. Only now they are discovering new ways to engage with their target audience through the specific Fahad Mustafa's campaign, Har Pakistan Ki Jaan Mein Mili, Chili Mili, which is targeting cultures and subcultures of Pakistan. The campaign was launched in February 2020, focusing on the primary target audience children and secondary target audience youth. So moving on to this is the picture of campaign. Moving on to the marketing objectives. The key objective was to create a marketing strategy to discover new ways to engage the target audience using social media campaign, Har Pakistan Ki Jaan Mein Mili Chili Mili, through Chili Mili Challenge to maintain the awareness and consideration level among the children and youth. Channel choice. Children and youth are active users of Facebook, Instagram, and YouTube. Celebrities use social media to promote their activities and influence their followers. So by partnering there with such iconic celebrities, which children and youth follow, Candyland could easily target their potential audience to take part in the challenge and create more awareness. Candyland has currently 350,000 followers on Facebook. Candyland hired Fahad Mustafa, a young iconic celebrity who's popular among children and youth, with 2 million followers on Instagram and 1.4 million followers on Facebook. Creative strategy. Something entertaining was needed to create to engage both children and youth. So they decided to create entertaining campaign in February 2020, hiring Fahad Mustafa and then creating a challenge out of that campaign. They made a video campaign, Har Pakistan Ki Jaan Mein Mili Chili Mili, targeting children and youth to promote all the existing cultures and subcultures of Pakistan, featuring Fahad Mustafa, who was doing different moves in different getups of different cultural dresses. Candyland asked their followers to do the Chili Mili challenge by copying Fahad Mustafa's moves and send them on their official Facebook or Instagram by mentioning Candyland or tagging Chili Mili challenge. Gift hampers will be awarded to the best entries received. Some 10,000 entries was received and few were selected to be posted on Candyland's official page. For maintaining the engagement level during the campaign, Facebook and Instagram updates were being posted regularly. These are the pictures of some entries they received. Communication metrics. This kind of strategy was the first time for the Candyland date and got an amazing response. Video was viewed more than 3.1 million times in less than 2 months, with 41,000 likes on Facebook, with average 200,000 plus views on Instagram. There were around 672,000 views on YouTube. Around 125 million impressions were created with reach of more than 40 million. Results. Winning the hearts of Pakistanis, this campaign resulted in getting popularity across all the cultures and subcultures in Pakistan. Video generated more than 3.1 million views in 2 months. Campaign had an amazing reach of 40 million on the Facebook. Around 200,000 plus average views on Instagram. Candyland have seen far more engagement as compared to the previous post, with increase to up to 40% likes on single campaign. The previous there were previous 20 to 30 likes per post on average, which were increased after launching this campaign. These are some stats which I have mentioned. This is a picture of campaign posted on Facebook. You can see the 241,000 likes and 2.4,000 shares and 1.4,000 comments engaging the target audience, and on YouTube 672,000 views almost. Measurements. These FMCG brands spend less on social media, so it is hard to calculate the measure of such campaigns in terms of profit as compared to the larger capital on promotions. So measurement of this campaign can be measured from the number of entries received
people taking part in this challenge, people engaging, and number of people who viewed and shared this specific campaign. Key learnings. The result depicts that by doing this kind of activity, it significantly increases the awareness and consideration among the target audience. It does not mean it will also impact the sale of the product as well. This campaign showed how to use Facebook and other social medias more effectively to increase the interest and engagement of the audience. Thank you. Thank you. Ji, questions? No, ma'am. कोई भी क्वेश्चन नहीं है किसी भी चीज के लिए जी अमार जी मैम आपने ऊपर दिया टाइटल चिली मिली उसके नीचे लिखा लोकल एफएमसीजी ब्रांड डिस्कवरिंग न्यू वेज टू एंगेज चिल्ड्रन अगर तीन वर्ड्स निकाल देना लोकल एफएमसीजी ब्रांड जी मैम तो ज्यादा स्पेसिफिक हो जाएगा टू चिली मिली ठीक है मैम ठीक है अच्छा व्हाट आई लाइक्ड के जब मैंने आपकी केस स्टडी पढ़ी थी उसमें मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट में यू वर डिस्कसिंग अ लॉट अबाउट द कंपनी इटसेल्फ जब आपने स्टार्ट किया तो आई वाज वंडरिंग कि आपने कितना चेंज किया बट इट वाज गुड कि आपने ये ऊपर वाले जो दो बैंड्स हैं ब्लू बैंड एंड ग्रीन बैंड आफ्टर दैट यू स्टार्टेड यू नो यू शिफ्टेड क्विकली टू द ब्रांड यू आर डिस्कसिंग तो व्हिच वाज गुड आपका जो केस स्टडी आपने पेपर दिया था फ्रॉम पेपर टू पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन I thought it was good कि आप जरा जल्दी मूव कर गए थे टू योर प्रोडक्ट बिकॉज एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो मैन्युफैक्चरर है कंपनी का कुछ ज़्यादा चाहिए ही नहीं था सो कैंडीलैंड कैंडीलैंड से आप डायरेक्टली जल्दी चिली मिली पे मूव कर गए विच वॉज गुड सो आई वॉज वंडरिंग के आपका ये जो है हर पाकिस्तानी की जान में मिली yes, ma'am. तो मैं ये सोच रही थी कि इसको आप ज्यादा क्रिएटिवली किस तरीके से अपने टाइटल का हिस्सा बना सकते हैं ऑलराइट अब मैं इस पेज पे व्हेन वी गो टू चैनल चॉइस आप कह रहे हैं कि जो कैंडीलैंड है इट ऑलरेडी हैड 350,000 फॉलोअर्स यस मैम ऑन फेसबुक राइट Yes, आपने यही yes, लिखा है और फिर कुछ और जगहों पे भी आपने मतलब आप कह रहे हैं कि 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं उसके फहद मुस्तफा मैम ये यस मैम ऑन इंस्टाग्राम सो आई वाज थिंकिंग कि जब आपने 350 का नंबर यहाँ पे दे दिया के बिफोर आपने यू सेड द कैंपेन स्टार्टेड इन फेब्रुअरी तो जब आप बिफोर द कैंपेन स्टार्टेड चिली मिली और कैंडीलैंड हैज 350,000 फॉलोअर्स ऑन फेसबुक तो जब आप यहां पे मेजरमेंट्स पे जाते हैं तो आपने हाउ डिड यू मेजर के ये जो आप कैंपेन आपकी इस कैंपेन के फॉलोअर्स हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल फॉलोअर्स ऑफ कैंडीलैंड ऑन फेसबुक मैम कौन से के हाउ डिड यू डिटरमिन के आपने जो क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हैं ना यू आर सेइंग के कम्युनिकेशन मैट्रिक्स आपने कहा 672,000 व्यूज ऑन यूट्यूब 125 मिलियन इम्प्रेशंस वर क्रिएटेड यस मैम विद रीच ऑफ मोर देन 40 मिलियन पीपल जो आप ये कह रहे हैं ये इम्प्रेशंस आप यूट्यूब के ही कह रहे हैं यहाँ पे बिकॉज मैम ये फेसबुक ये इम्प्रेशंस हैं फेसबुक के अच्छा तो आपने यहाँ पे फेसबुक लिखा हुआ नहीं है ना क्योंकि इससे पिछले वाले में वी आर डिस्कसिंग यूट्यूब द नेक्स्ट वन ऑल ऑफ अ सडन सेज 125,000 मिलियन इंप्रेशंस बट इट डज नॉट से फेसबुक सो मेरा क्वेश्चन ये मैम मैंने ओवरऑल इंप्रेशंस लिखे हैं कैलकुलेट करके ऑलमोस्ट जो इतनी रीच से आते हैं ऑलराइट क्योंकि यहाँ पे फिर थोड़ी सी करेक्शन करते हैं बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट यूट्यूब इन द प्रीवियस लाइन इन द नेक्स्ट लाइन यू आर टॉकिंग अबाउट 125 मिलियन इंप्रेशंस तो इंप्रेशन ये पड़ता है कि यू आर प्रोबेबली टॉकिंग अबाउट इंप्रेशंस वाया यूट्यूब तो आप ये कहें कि यहाँ पे से कि ओवरऑल 125 मिलियन इंप्रेशंस वर क्रिएटेड अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया आपको कहना पड़ेगा तो वो अक्रॉस ऑल सोशल मीडिया आपको यहाँ पे कहना पड़ेगा दूसरी बात ये है मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि जी ये इसका लिंक है विद फेसबुक
जो लाइक्स हैं. तो मैं आपसे कही थी कि यहाँ पे यू आर ऑलरेडी सेइंग 350,000 फॉलोअर्स, तो आप जो यहाँ पे आए, इन दोनों का जो फर्क है वो तो आपको फर्क तो आपको नजर आ रहा है कि जो पहले फॉलोअर्स हैं एंड न्यू फॉलोइंग है. हाउ डिड यू मेजर इट? डिड यू फाइंड अ डीवीसी और अ टीवीसी समथिंग? और मैम, न्यू फॉलोअर्स का तो मैंने जिक्र ही नहीं किया. मैंने तो ये लिखा है कि जो कैंडीलैंड का पेज है उस पे 350 के फॉलोअर्स हैं. लिसन अमार, मुझे आपकी केस स्टडी में जो फाइनल नंबर चाहिए ना, वो आप मुझे बताएंगे कि जो ओरिजिनल था उसमें अगर इसकी वजह से कोई ग्रोथ हुई है. तो इफ यू आर सेइंग कि यहाँ पे दे ऑलरेडी हैड 350,000 एंड नाउ दे हैव 350,000 से इंक्रीज होके किस नंबर पे चला गया, तो यू विल इंस्टेंटली नो. बिकॉज आई थॉट कि आपने द गुड, इट इज एक्सीलेंट कि आपने बिल्कुल एक रिसेंट कैंपेन उठाई ना. यू सेड फरवरी 2020 में ये कैंपेन लॉन्च हुई. तो लेकिन इसमें आप सिर्फ एक छोटी सी आप अमेंडमेंट ये करें कि इस कैंपेन की वजह से जो चेंजेस आई, लाइक जो ग्रोथ इस कैंपेन से स्पेसिफिक है, यू कैन सी से कि बिफोर द कैंपेन फेसबुक लाइकिंग जो थी वो 350,000 थी, 350K, ठीक है. और आफ्टर द कैंपेन 350K से कहाँ चली गई, तो यू विल इंस्टेंटली. यस मैम, यही मैं को वो बताना चाह रहा हूँ कि इसके लिए जो है ना, मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा. मैम ये असल में ना, ये रिसेंटली बिल्कुल पेन है, टू मंथ्स इसको हुए, उससे पिछला जो डाटा था वो अवेलेबल नहीं था कि इसके कितने लाइक्स थे. तो इसके लिए मुझे वो इनसाइट एनालिस्ट, मुझे जो है ना इनसाइट एनालिस्ट की जो है वो उस जो है कैंडीलैंड के पेज का वो चाहिए होगा, जिसपे मुझे पूरे स्टैट्स मिलेंगे, क्योंकि फेसबुक जो है ना इसका डाटा. ओके, आई कैन अंडरस्टैंड, यू आर सेइंग कि यू डू नॉट हैव एक्सेस टू इनसाइट. यस मैम, यस मैम. ओके, आपको हमें फरवरी का आप ये कर सकते हैं के यू कैन, डिड यू ट्राई कॉन्टेक्टिंग एनीबडी इन द कंपनी के वो आप? यस मैम, मैंने किया मैसेज, तो रिप्लाई नहीं किसी का किया, क्योंकि आपको पता है क्वारंटाइन भी चल रहा है, तो मेरे ख्याल. ओके, अच्छा चलें, ठीक है. मैं आपसे सिर्फ ये कही थी कि बेसिकली ये आपका होना चाहिए था pointing to the difference. एक पेज, एक काम बहरहाल आप फिर भी कर सकते थे, because Candyland would have posted these videos on its website, owned media पे तो जरूर होंगे ना, उसके अलावा फहद मुस्तफा के भी उस पे होंगे. तो इफ दे आर इन बोथ दीज प्लेसेस, तो उन्होंने जो भी पोस्ट वहाँ पे की होंगी उन पोस्ट पे डेट्स होंगी. So you can see के Candyland ने फरवरी में चिली मिले का जो भी पोस्ट किया ऑन देयर ओन, यू नो, ओन मीडिया पे एंड ऑन फहद मुस्तफाज पेड मीडिया पे, तो आप उस पर कुछ थोड़ी सी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि वहाँ पे कितने लाइक्स एंड इम्प्रेशन जो हैं दे आर डेडिकेटेड टू चिली मिली सिंस फरवरी 2020. Yes, ma'am. ठीक है, ये थोड़ा सा होमवर्क अगर आप कर लेंगे तो आई थिंक आपकी स्टडी कम्प्लीट हो जाएगी. ठीक है, ठीक हो गया मैम, तो इसको करके देखिएगा. ओके, थैंक यू. किसी और का कोई क्वेश्चन है अभी तक? मैम क्वेश्चन नहीं है, बस यही है कि जैसे मेजरमेंट्स आप कह रहे थे ना पहले और आखिरी वाले, वो यूजली मिलते नहीं है, क्योंकि इवन राइटिंग द केस स्टडी जो मैं दोबारा हम लोग मिड टर्म के लिए भी लिख रहे थे, सो आई लैंडेड अप contacting one of Haleeb's brand manager, so he initially to said that he will help me, but then of course for quarantine ke wajah se he didn't respond. To wo wali campaigns jo phir wo aap jo measurements wagaira keh rahi hain, to kafi dafa wo hame nayi cheeze milti, so that was the only issue we were facing, most of us. Asma, I understand ki aap kya keh rahi hain, aur main aapse sirf itna kahungi के एंड ऑफ द डे एडवर्टाइजिंग में भी रिसर्च चाहिए होगी, कि अपार्ट फ्रॉम कि आपको डिग्री कंप्लीट करने के लिए भी अपनी, इवन अगर इफ यू ऑप्ट फॉर थीसिस प्रोजेक्ट, तो उसमें भी आपको रिसर्च चाहिए होगी. तो जो लोग थीसिस पर रिसर्च करेंगे वो तो करेंगे ही करेंगे, तो थोड़ा सा इफ यू बिकम एन एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल इन फ्यूचर,
तो थोड़ी सी कुछ चीज़ों की को थोड़ा सा अभी से आपको ना डिवेलप करना पड़ेगा. सो यू नो कि जी क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए एंड इफ़ यू नीड सर्टेन इंफॉर्मेशन यू डू यू हैव टू फाइंड इट यू नो. तो उसको इट वुड हैव बीन इजीयर इफ थिंग्स वर यू नो वैसे चीजें ठीक होती तो वी वुड हैव यू नो बीन इन अ बेटर स्पॉट. हां आई अंडरस्टैंड कि इस वक्त कंट्री के सरकमस्टेंसेस पाकिस्तान्स या वर्ल्ड सरकमस्टेंसेस आर वेरी odd right now and it has become very difficult. So, लेकिन ये है कि चलें ढूंढते न्यू वेज बिकॉज हमने टीचिंग में तो एक रास्ता निकाल ही लिया ना. सो बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन भी आई डोंट नो हाउ दे आर परफॉर्मिंग एट प्रेजेंट बिकॉज बैंक्स तो खुले हैं 10 बजे से 4 बजे तक. सो आई डोंट नो हाउ अदर कंपनीज आर मैनेजिंग थिंग्स राइट नाउ. तो चलें कोई बात नहीं गुड थैंक यू अमार. नेक्स्ट कौन है नॉरिस. यस मैम. मैम काजिम मैंने ये किसकी है. ये मेरी काजिम. ओके काजिम की है. सो हम काजिम की पहले कर लें. ओके जी काजिम. गुड आफ्टरनून लेडीज एंड जेंटलमैन. टुडे आई एम हियर टू प्रेजेंट about the Kareem bike viral promo. This is a certain campaign Kareem did before in 2017 and next week is first of all I will discuss the marketing context. Kareem is basically a ride hailing company which started in 2015 for cars. Then later in 2017 November they have launched Kareem bike. Then different promos were introduced to differentiate Kareem bike hailing with car hailing. Next please. Man. Objectives. Kareem want to expand its services especially bike hailing while targeting to become the region everyday super app. Kareem main objective is to improve the lives of people and build an awesome organization that inspires. Next please. Channel choices. The Kareem channel choices in social media they is like Facebook, YouTube, and Instagram. And in electronic media, there is SMS marketing, TVCs, in-app marketing, and email marketing. And in print media, there are billboards, franchise branding, and flyers. Next one. And let's talk about the creative strategy of this campaign of Kareem bike. The main theme is to make make promos viral to increase the demand of Kareem bike. At that time there was a very less demand of Kareem bike and no one knows many few people know about Kareem bike and they introduced some of the promos which are viral. And in order to make the campaign viral, 6 interesting viral promos were deployed by Kareem. Next one. Here are the viral promos. This was the first promos. टॉयलेट जोर से जाना हो तो क्रीम बाइक करवाओ. नेक्स्ट वन एंड द सेकंड प्रोमो इज डाकू को पकड़ना हो तो क्रीम बाइक करवाओ. नेक्स्ट वन थर्ड वाज बाजी का सूट बर्बाद हो जाए तो क्रीम बाइक करवाओ. नेक्स्ट वन अम्मी के छितर से बचना हो तो क्रीम बाइक करवाओ. नेक्स्ट वन परोस के मुल्क से अभी भागना हो तो करीम बाइक करवाओ. ये दिस प्रोमो वाज बिकॉज एट दैट टाइम देयर वाज अ इशू विद अभिनंदन द इंडियन पायलट एंड दैट्स व्हाई दे इंट्रोड्यूस दिस टू मेक इस प्रोमो वायरल. एंड नेक्स्ट वन द मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोमोज एंड मोस्ट वायरल प्रोमो अपनी शादी से भागना हो तो करीम बाइक करो. दिस वाज द मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोमो ऑफ द करीम बाइक. सो It was the most viral promo. Next one. Measurements. The main theme and the main creative idea is to theme to make these promos viral. So the only measurement taken to analyze this campaign is to analyze whether this campaign is viral or not. They made this campaign viral. So because due to this viral of this campaign, and everyone knows about Kareem bike. Next one. Results. Although Kareem faced many challenges because of this promos, because this is the Islamic Jamhuriya of Pakistan and this type of promos like shadi wala promo is not that appropriate for this society, but this was viral
and they gain so much attention to the cream, and everyone, these promos are for awareness. Everyone and took awareness from these promos, and everyone know about Kareem bike. This is because that everyone was supposed to know about Kareem bike. The result were 2 million views in the first week of the campaign on YouTube. On YouTube, there are 2 million views in first week. Kareem app download increased from 6 million to 10 million. Before that was 6 million app downloads, and after that, app download increased to 10 million. Next one. Key learning was that such strategies were quite risky, but risk come with the opportunities. Lots of problem Kareem faced due to these promos, and they increased the sale. They didn't bother to have that problems with society. Kareem was successful in differentiating between Kareem car and bike and Kareem bike. Kareem was also successful for creating awareness about Kareem bike among the masses. Next man. Thank you so much. G, questions? Ma'am, main puchna chahunga. Ji puchhein. Ahmed. Ma'am, maine isse Kazim bhai se puchna tha, jo campaign thi ye kis year se kis year tak thi, kyunki isme ek Abhinandan wali bhi aa rahi hai, to wo 2019 mein thi. Ye campaign 2019 mein thi. Kareem bike 2017 mein launch hui thi. 17 mein jab launch hui thi na, uske baad Kareem bike ke bare mein itne log nahi jante the. To ye logon ko awareness dene ke liye, ye Kareem sirf gaadiyon ke liye nahi hai, Kareem bikes ke liye bhi hai. To isliye ye campaign jo thi na, ye 2019 mein aayi thi. Sahi, theek hai, thank you. आपको 2019 की एग्जैक्ट डेट्स मालूम हुई? आपने सोशल मीडिया काफी सारा मेंशन किया है, तो वहां पे पोस्ट के ऊपर डेट तो आ रही होती है. डिड यू नो डेट्स? मैम, मैं बताता हूं आपको. एक तो इसके जो सोशल मीडिया की पोस्ट थी ना, ये आपको बताया कि ये कंट्रोवर्शियल प्रोमोस थे जिनकी वजह से करीम को काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े थे. तो उस वजह से सोशल मीडिया पे जो उनके ये कैंपेन चली थी ना, जहां पे ये सारे पोस्ट्स वगैरह लगे थे, वो उन्होंने डिलीट कर दिए थे. तो वो डेट नहीं थी. वैसे मुझे डेट्स पता है, नवंबर में आया था ये. ऑल राइट. तो आप जो कह रहे हैं, आपने जो दिखाई थी इतनी सारी इमेजेस, ये सारी, ये क्या है? जी जी. ये सारी होल्डिंग्स हैं, बिलबोर्ड्स हैं? मैम, ये होल्डिंग पे भी यूज हुई थी ये सारी. उसके अलावा मैम, ये इन ऐप भी सारों को लिंक्स कहे थे, लिंक से भी खोल लेते. उसके बाद ये सोशल मीडिया पे भी थी, ठीक है. उसके बाद ये डिफरेंट, ये जो बैनर्स है ना, ये उसके यूट्यूब पे भी जो एड्स में आते ना, ये बैनर्स भी शो हो रहे थे. अच्छा, तो जो यूट्यूब पे देख रहे थे वो क्या चीज थी? मैम, यूट्यूब पे ये वाले, ये जो प्रोमोस थे ना, इन प्रोमोस पे 30-30 सेकंड के ना एड्स बने थे, टीवीसी बने थे, मतलब डिजिटल मीडिया के एड्स बने थे, वो यूट्यूब पे शो हो रहे थे. वो एड में यहाँ पे, वो मैं ऐड यहाँ पे डाल नहीं सका, क्योंकि इस वजह से कि वो ऐड उन्होंने वहां से डिलीट कर दिए हैं हर जगह से. ये करीम को गवर्नमेंट ने ये किया था कि आप ये चीजें ये खत्म करें, क्योंकि ये प्रोमोज इस तरह के थे, और करीम को उससे लेना देना नहीं था. करीम ने इससे कमाया, क्योंकि ये जो प्रोमोज जब वायरल हुए, तो लोगों को पता चला कि करीम बाइक भी कुछ है. पहले तो लोग करीम को सिर्फ कार की वजह से जानते थे ना, तो उसके बाद लोग बाइक को भी जानना शुरू हो गए. अच्छा, ये आपका, आपको ऊपर एरर नजर आ रहा है? यस मैम, ये टी नहीं डाला हुआ. जी मैम, सॉरी मैम. अच्छा, सो आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर 30 सेकंड टीवीसी भी था? और जी जी, टीवीसी से ऊपर हर एक पे मैम, ये हर एक पे 30-30 सेकंड के थे. इन सारों पे 30-30 सेकंड्स के टीवीसी थे. तो आप ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट बार्ड द एड कैंपेन. तो कैंपेन आपकी कौन से मंथ से कौन से मंथ तक चली इन दैट केस? मैम सॉरी, ये चली थी अपना नवंबर में, नहीं थी चली, नवंबर 17 में तो ये लॉन्च हुआ था. सॉरी, ये मार्च में चली थी, ये 2019 मार्च में चली थी. और ये तकरीबन ये चली थी 20-25 डेज के लिए कैंपेन चली थी. अच्छा, 20-25. जो मेन प्रोमो था ना, जो सबसे कंट्रोवर्शियल प्रोमो था, शादी से भागने वाला, उसके लिए गवर्नमेंट ने भी काफी सारे एक्शंस लिए थे, और उसके ये जो आपके ये जो जमाते इस्लामी वाले, इन्होंने भी एक्शंस लिए थे.
इसकी वजह से इनको ये उतारना पड़ा था. पहले करीम इसके साथ लड़ती रही लेकिन जब ये 20 दिन कैंपेन चल गई थी 20 से 25 दिन पर उसके बाद करीम ने ये अपना सारा कुछ हटा लिया था. तो यू थिंक के यूट्यूब से इफ यू वर ट्राइंग टू एक्सेस तो यूट्यूब पे आप नहीं पहुंचेंगे इन तमाम एडवर्टाइजमेंट्स पे. मैम अभी नहीं पहुंचेंगे. अच्छा, ये कुछ वाले पे कुछ प्रोमोज आ जाएंगे ठीक है लेकिन सारे नहीं आएंगे. ये अच्छा, शादी वाला भी नहीं आएगा. आपको असल में इनका ना यहाँ पे यू नीड बेस्ट तो होगा कि आपके पास अलग अलग हो इस जगह पे मेजरमेंट्स में कि ये इस प्रोमो को इस प्रोमो की कितनी रीच है कितनी लाइक्स हैं इसकी कितनी रीच है लाइक्स हैं ये तो मेरा ठीक है. अगर आपको ये क्योंकि आपने मेजरमेंट्स को ब्लैंक छोड़ा हुआ ना राइट नाउ आपने सिर्फ ये कहा कि वेदर द कैंपेन वेंट वायरल और नॉट दैट इज योर मेजर ठीक है. सो आपने जब आप उसको इवन इफ इट वेंट वायरल यहाँ पे जो आपने चीजें मेंशन की हैं सोशल मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एसएमएस मार्केटिंग टीवीसीज ईमेल एक्सेट्रा तो ये जितनी चीजें आप चैनल में मेंशन कर रहे हैं आपको एक्चुअली इन सारों के वो चाहिए थे कि इनमें से किसकी कितनी रीच थी. तो आपको मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि यहाँ पे जब आप आ रहे हैं तो आपको वो सारों के जितने आइटम्स आपने जितने चैनल्स मेंशन किए उन सारों को आपको बताना पड़ेगा कि इसके थ्रू क्या हुआ और आखिर में यू कैन राइट दिस लाइन ये जो आपने ऊपर लिखा यहाँ पे आखिर में लिखते हैं आखिर में आपने लिखा कि whether this campaign is viral or not ये आपको इसके बजाय ये लिखना था कि इन सारों को कंक्लूड करके आप लिखते कि the campaign went viral और उससे कितनी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई और फिर जो आपने जुबानी बताया that actually the unfolding here. लेकिन दूसरी बात ये है कि जो आपने मुझे केस स्टडी सबमिट की थी रिटन फॉर्म में आई डोंट नो हाउ मच यू हैव इम्प्रूव्ड इन योर मिड टर्म एसे सिंस देन लेकिन यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीज़ें सजेस्ट की थी कि ये आपने अपने एसे में भी इसी तरह लिखा था जिस तरह आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ठीक है बुलेट फॉर्म में. तो मैंने आपको सिर्फ ये एक कॉमेंट दिया था कि आई थिंक कि शायद आपके गूगल क्लासरूम में भी ये कॉमेंट आपको नजर आ रहा होगा कि बुलेट्स के बजाय डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ डाल दें इन द केस स्टडी. सो इन मैं आपको सिर्फ चूंकि मेरे सामने आपका ऐसे भी है ना तो मैं सिर्फ ये देख रही थी कि मैंने आपको क्या सजेशंस दी थी उस वक्त तो लेकिन इसके लिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए तो दिस इज परफेक्टली फाइन. मैम मैंने उसमें वो डाल दी है वो जो आपको मैंने ये केस स्टडी डिजाइन करके दी है ना अभी मिड टर्म के लिए तो उसमें मैंने वो पैराग्राफ में लिखे हैं. हाँ बिल्कुल बस मेरा यही था कि वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में होना चाहिए. अच्छा आपने टारगेट ऑडियंस जरा एक दफा क्लियरली डिफाइन कर देंगे कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या था. मैम मेरी टारगेट ऑडियंस वैसे मैंने ये तो आपको पहले सबमिट करवाई थी ना मैंने ये जो प्रेजेंटेशन है ये तो ऑलरेडी सबमिटेड थी लेकिन जो मैंने ऐसे ना उसमें मैंने अपना जो टारगेट ऑडियंस है ना वो मैंने उसमें दिए. टारगेट ऑडियंस मेरी उसमें ये थी कि जो लो इनकम ग्रुप्स के पीपल है ना मतलब जिनकी सैलरी लेस देन 45,000 है ये उनके लिए था मतलब क्योंकि लो इनकम ग्रुप के लोग ये करीम बाइक यूज करते हैं. एट द सेम टाइम उसमें कोई जेंडर की रिस्ट्रिक्शन नहीं थी तो यू हैव टू से दैट एज वेल क्योंकि आपने उसमें डाल दिया ना शादी से भागना हो तो जी उसको करें ठीक है. तो ओके एनीबॉडी एल्स एनी क्वेश्चन एनी कमेंट एनी सजेशन अस्मा. मैम इसमें जो टारगेट ऑडियंस है उसमें आप वो ऐड कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स मेनली हॉस्टलाइट्स. नहीं हॉस्टलाइट नहीं. अब देखिए ना वो जो जिस तरह ये कैंपेन्स दी हुई थी अपना अहमद भाई के अपना बाजी का सूट बर्बाद हो जाए तो करीम बाइक करो तो वो उसके लिए हॉस्टलाइट्स के तो नहीं ना रहते और छत्तर से बचना हो तो करीम बाइक करो तो उसके लिए भी हॉस्टलाइट्स नहीं रहते तो इस वजह से ये था. आल्सो मैम लॉट ऑफ कंटेंट वाज टेकन अवे फ्रॉम जैसे वो बता रहा है तार के वीडियोस वगैरह वर टेकन डाउन मुझे यही मेजरमेंट्स बताई थी क्योंकि इनके पास पिछला पुराना वो डेटा नहीं पड़ा हुआ. ओके परफेक्टली फाइन सिर्फ ये कोशिश करें कि जो मैक्सिमम आपको मिल सकता है उसको इसमें आई होप कि आपने
try finding whatever you can find, and I hope you have quoted whatever best you can. ठीक है, क्योंकि उसके बगैर complete नहीं होता ना. तो आपको figures चाहिए. You may even if they have been removed, so maybe something is somewhere. कहीं print में किसी जगह पे somebody may have mentioned. तो I will try my best. ठीक है. Okay, thank you. Thank you so much. Okay, welcome. Good. Good job. Thank you, ma'am. जी नॉरिस. Yes, ma'am. क्या स्टार्ट करूं मैं? जी जी जरूर स्टार्ट करें. अनलेस समबडी वांट्स टू से समथिंग. थक तो नहीं गए बहुत ज्यादा? अभी तो नहीं मैम. गुड. चलिए नॉरिस स्टार्ट करें. Hello everyone, today I'll be presenting how clothing brand Gulamar engages women by promoting the concept of self-acceptance. Now coming towards market context, Gulamar was established in 1953. In 2003, Gulamar expanded to retail sector and soon became Pakistan's leading textile brand. With the passage of time, competition emerges in the market as there were competitors like Wardha, Khadi giving tough competition to Gulamar. So in 2017, Gulamar comes up with a 360-degree campaign, Main Perfect Hoon, to promote their spring-summer 2017 collection. Duration of this campaign was 6 months, from March to September. Now, this is a TVC. Ma'am, can you play this TVC? मुझे अच्छा लगता है अपना ये चिड़िया का घोंसला. ड्रेस कोड का कोड तोड़ना इस टेढ़ी नाक के साथ हट कर चलना मुझे अच्छा लगता है अपना ये बिल्ट इन नजर का टीका. ये टीका बहुत काली है, डार्क है. किसी की परफेक्शन का बबल बस्ट करना मुझे अच्छा लगता है और इन्हीं इम्परफेक्शंस के साथ परफेक्ट होना मुझे अच्छा लगता है. So that was the ad. I just want to keep remind all about the ad. That's why I just show the ad. Now coming towards the business objectives. The marketing strategy was devised with the sole purpose of re-establishing the company's brand image so it can penetrate the market and increase its sales. The other objective of this campaign was self-acceptance. In our society, beauty and perfection are associated with fair color. So with this campaign, they try to break the stereotype. The objective of relatability of their dresses or prints was endorsed for every woman watching TVC. The idea was to make the women feel comfortable in their own skin in such a way that they start to relate to the brand. The campaign was launched with the aim of showing women that they can still wear anything they wanted, no matter how they look. It focuses that women can embrace their physical imperfection while wearing latest bond prints. With this, they just wanted to revolutionize the how women perceive beauty. Now coming towards the channel choices, Gulamar targeted women by frequently airing their TVCs to target masses. These TVCs were aired on entertainment channel and mostly in the morning and evening timings, as at that time mostly women are free. Social media platforms to target the tech-savvy women. Facebook, Instagram, Twitter, YouTube were used to promote this campaign. The campaign managed to, the company managed to partner with different model agencies where they asked women to post their pictures with these hashtags, MayPerfectWoman, follow your dreams, women of ideas. These are the pictures of these social media platforms where they promote the campaign, including Instagram, YouTube, Twitter, and this is the Facebook one. Now coming towards the creative strategy, Gulamar breaks the model stereotype. They chose models that were not up to the benchmark of modeling. It is shown in the ad that how models were seen to be looking at their flaws or shortcomings and then embracing their dresses and accept who they are. Models like Amna Lias with a tan complexion were the limelight of this campaign. In her earlier interviews, she mentioned about the criticism she had to face because of her tan complexion. The brand wanted to change the beauty philosophy. MayPerfectWoman stems down the idea that gives women the hope
that we have almost outlived the era of models donning long jodas and looking glamorized hanger. Now coming towards communication metrics. Gul Ahmed campaign was a big hit in the market. It created a boom on digital platforms. First Gul Ahmed campaign, whose commercial video had 634,000 views on Facebook. YouTube advertisement had 234,000 views. First fashion brand to be trending on Twitter. Instagram page of Gul Ahmed gained great numbers of followers after the campaign was launched. Now coming towards the measurement. Before 2017, brand did not have as hype or a brand value as it had after the campaign. Gul Ahmed managed to reposition itself in the minds of customers, which changed the dynamics of the company operations. In 2018, Gul Ahmed was given the best TVC award in the fashion, textile and accessories by Pakistan Advertisers Society. Now coming towards results. It helps positive brand image. It helps to build a positive brand image for a company. After the launch of the campaign, the company's overall financial position was improved. As you can see in this graph, in 2014, 15, 16, there was sales were static, but in 17, there was spike in the increase in sales. So in 2017, if you come to the next slide, you will see the financial indicators. In local sales, there were 21% increase. In gross profit, 33% increase. And if you come at the last point, return on equity, on the second last, earning per share, it was increased by 133%. Such statistics shows that shareholders are benefiting from the growth of the company, and Gul Ahmed is making its mark. Despite the economic turndown and high inflation rate, it has managed to become the leading clothing brand in Pakistan. Now coming to e-learning. If company comes up with a creative or out-of-box campaign, then they can create a difference even in a competitive market. Gul Ahmed should come up with a similar campaign that could turn the tables for them in terms of their sales. So that's all from my side. Thank you. Ji, questions? Ma'am. मैं पूछना चाहूंगा अहमद जी क्वेश्चन ये कि जिस स्पेसिफिक टाइम में कैंपेन लॉन्च हुई थी तो नुरेश भाई ने जो रिजल्ट्स शो करवाए हैं उसमें मैं ये जानना चाह रहा हूं कि उसके फौरन बाद कैंपेन का जो इंपैक्ट था इमीडिएट इंपैक्ट यानी कि कैंपेन लॉन्च हो गए इसके 3-4 महीने में उसकी एग्जैक्ट सेल्स इसमें उन्होंने शो की हैं या ओवरऑल पूरे साल की किए हैं या उस क्वार्टर वाइज किए हैं जिस कैंपेन के बाद उसका इफेक्ट आया था जी इसमें ये है कि अगर आप सेल एक स्पेसिफिक कैंपेन की देखोगे तो वो बहुत मुश्किल होता है उसे एनालिसिस करना उसका अब इसमें जो है हमारी जो कैंपेन है वो स्टार्ट हो रही है मार्च में तो उसको हमने मैंने डिवाइड किया है क्योंकि इनकी हर थर्ड मंथ क्वार्टर रिपोर्ट आती है तो उसमें जब मैंने एनालिसिस किया है क्योंकि इनकी जो है कैंपेन वो 6 months की है तो देयर वाज अ स्पाइक लाइक increase in the sales as compared to previous year 2014-15 mein bilkul wo increase nahi tha aur jo ke inka campaign ke baad jis tarah se sale mein increase hua to iski wajah se ye jo sale total sale ka increase hai wo 2017 mein bhi show hoga aur 16 ke end mein 17 ke mein show hoga aur 2018 mein bhi show hoga kyunki jo inka month end hota hai financial fiscal year wo june mein khatam hota hai aur ye campaign march to september ki thi मार्च टू सितंबर 2017 की या 19 की 17 की मैम लेकिन यहाँ पे तो रिजल्ट्स आप 19 तक के बता रहे हैं ना 19 के कहाँ पे मैम ये देखें ना ये आपका ये जो ग्राफ सामने नजर आ रहा है आप कह रहे हैं कि 24 वो तो आप जब डेटा डालते हैं तो वो ऑब्वियसली 19 का भी उसमें आ जाता है क्योंकि वो कंपनी की रिपोर्ट से मैंने डेटा उठाया था आपसे मैं यही पूछने लगी थी यू सेड के कंपनी जो है इट प्रिंट्स इट्स रिपोर्ट एवरी 3 months तो इसका मतलब है कि वो 2020 में मार्च के एंड पे दे हैव पब्लिश्ड रिपोर्ट ऑलरेडी हैव दे और आपने दिसंबर की रिपोर्ट उठाई
2020 नहीं मैम अभी अभी की रिपोर्ट अवेलेबल नहीं है आपके पास आपके पास दिसंबर 2019 की रिपोर्ट है जो जनवरी में रिलीज की उन्होंने जी मैम मेरे पास लेटेस्ट 2019 तक की रिपोर्ट है 2020 का अभी कोई डाटा नहीं उन्होंने इस साल में दिया बेसिकली नॉरेस आप एक चीज सिर्फ ये याद रखें आपने आपको सिर्फ एक कैंपेन को रिपोर्ट करना है सो बेसिकली आपके जो आप रिजल्ट शो कर रहे हैं अप टू 2019 वो रिजल्ट्स आप इस कैंपेन इस केस स्टडी में नहीं डाल सकते सो बिकॉज योर केस स्टडी आपने कहा ना कि मार्च से सितंबर तक थी सिक्स मंथ्स की कैंपेन थी वैसे सिक्स मंथ्स इज टू लॉन्ग क्योंकि वो फरवरी मार्च में अगर उन्होंने सीजन के साथ अगर कैंपेन लॉन्च कर दी तो बाय जून के करीब तो ये लोग सेल्स में चले जाते हैं एट टाइम्स आजकल तो लोग जून से पहले सेल्स में जाना शुरू कर देते हैं मैं आपको इसका ब्रेकडाउन बता देता हूं मैं आपको ब्रेकडाउन बता देता हूं ये कैंपेन जो थी मार्च में स्टार्ट हुई थी उसके बाद अगस्त में इनकी एक योलो कैंपेन आई थी अगस्त से पहले इनकी प्लीज नॉरेस प्लीज डू नॉट मेंशन द अदर कैंपेन व्हिच वाज लॉन्च्ड इन अगस्त मैं आपसे ये कह रही थी कि ये चूंकि गुल अहमद क्या है लॉन्स है क्या चीज है व्हाट इज द प्रोडक्ट जी जी मैम लॉन गुल अहमद लॉन है ना लॉन का एक सीजन होता है व्हिच मींस कि आप लॉन्स के कैंपेन्स ओवर द इयर्स बास कंपनी लॉन्स की एडवर्टाइजिंग इवन फरवरी के मिड में स्टार्ट कर देती हैं यू नो बिकॉज पाकिस्तान में ट्रेडिशनली अब तो बसंत नहीं मनाई जाती सिंस सो मेनी इयर्स बट बसंत नॉर्मली हुआ करती थी अराउंड 15th ऑफ फेब जो भी आपका संडे आता था ना व्हिच यूज्ड टू बी संडे ऑफ द थर्ड वीक मिसाल के तौर पे 17th फेब इज अ संडे तो वो 17th फेब संडे जब करते थे तो सब लोग बाहर सनलाइट में खड़े होके पतंगबाजी वगैरह किया करते थे तो इट मींस के मिड फेब वाज द बेस्ट टाइम फॉर लॉन्चिंग लॉन एक्सेट्रा जो नए सीजन के फैशन और डिजाइंस वगैरह होते हैं जी सो आपने जो डेट मेंशन की यू आर सेइंग के गुल अहमद कैंपेन started in March ये थोड़ा सा मुझे late इस वजह से लग रहा है क्योंकि एक हुआ करते थे फारूक एंड गुल अहमद का किसी जमाने में बड़ा competition हुआ करता था तो both used to start their campaigns around mid-February मतलब बसंत की dates जो थी ना उससे coincide करके ये start करते थे तो आप जो मार्च कह रहे हैं कैंपेन की सबसे हैवी एडवर्टाइजिंग जो है वो फर्स्ट चार छह हफ्ते में ही होगी बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग के मार्च अप्रैल में फरवरी के मिड से मार्च अप्रैल तक मोस्ट शॉपिंग वुड बी डन और उसके बाद क्योंकि अराउंड यू नो लाइक आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि सेल का सीजन कब स्टार्ट होता है बिकॉज देन कंपनी स्टार्ट यू नो लाइक सेलिंग 50% 70% 10% डिस्काउंट इस तरह करके दे सेल थिंग्स एट 50% रेट और 70% रेट एक्सेट्रा मुख्तलिफ किस्म की प्रमोशंस लॉन्च करना शुरू कर देते हैं सो आपकी जो डेट है वो बड़ी लंबी है कैंपेन की यू आर सेइंग कि सिक्स मंथ्स कैंपेन है सिक्स मंथ्स कैंपेन में सीजन चेंज आ जाएगी फॉर इंस्टेंस वो इसका जो सबसे ज्यादा सेलिंग ऑफ डिजाइन होगी दैट विल बी एट द स्टार्ट ऑफ द कैंपेन तो स्टार्ट ऑफ कैंपेन में अगर आप उनसे इफ यू स्टार्ट ट्राई फाइंडिंग आउट के कैंपेन का जो है हर कैंपेन का और हर टीवीसी रिलेटेड कैंपेन का ये जो आपने कैंपेन दिखाई इसमें ये जो एड था मैं परफेक्ट हूँ वैसे तो रीइंफोर्समेंट तो किसी भी वक्त हो सकती है लेकिन जब ये कैंपेन उन्होंने बनाई तो इनिशियल इसका लॉन्च पीरियड होगा ठीक है कि कैंपेन कब से कब तक इसका अगर इफ यू आर फैमिलियर विद समथिंग व्हिच इज कॉल्ड इसका आपके मीडिया प्लान्स मीडिया बाइंग मीडिया प्लानिंग आप लोगों ने पढ़ा किसी कोर्स में अभी तक मीडिया बाइंग एंड मीडिया प्लानिंग नहीं मैम अभी तक नहीं पढ़ा ऑल राइट सो आपको मैं सिर्फ ये बताऊंगी कि जैसे ही उन्होंने ये कैंपेन डिजाइन की होगी इस कैंपेन के साथ दे वुड हैव आल्सो प्लान्ड मीडिया फॉर द कैंपेन व्हिच मींस कि ये कैंपेन जो है आपने यहाँ पे आपके चैनल चॉइसेस आपने दी हुई है ना फॉर इंस्टेंस यू आर सेइंग कि टीवीसी है So TVC is probably going on all channels, perhaps, right? It's going on, say, ke TVC goes on Jio TV, ARY, Hum TV, Dunya TV, all other different channels, jo ke khas tor pe women
are watching. ठीक है, so आपका it sounds like आपने कहा TVC targets masses. So probably उन masses में women ही होंगी ना. आपने कहा कि targeted women by frequently frequently airing their TVC to target masses. तो आपका focus जो है वो masses at large नहीं है. आपका focus mostly women है. तो आपको मेरा ख्याल है कि एक तो टारगेट में इसको रिड्यूस शायद करना चाहिए था, क्योंकि ये लॉन प्रिंट्स जो हैं ये शायद मेल पहन के नहीं फिरेगा यूनिवर्सिटी में, एक टी शर्ट लॉन की पहन के आ गए या कुछ और पहन के आ गए, यू नो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म. तो मैं आपसे सिर्फ ये कही थी कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इसकी का जो मीडिया बाइंग थी वो एग्जैक्टली क्या थी. तो मीडिया बाइंग जो है इट वुड हेल्प यू अंडरस्टैंड के चैनल चॉइसेस में कौन सा. लेकिन कैंपेन साउंड्स लाइक अ गुड कैंपेन, इट साउंड्स लाइक अ रेप्लिका ऑफ डव कैंपेन्स, क्योंकि डव 2006 ऑनवर्ड्स. तो बेसिकली डव का 15 साल पुराना आइडिया इन्होंने यहाँ पे डाल दिया, और फॉर पाकिस्तान इट वॉज न्यू टू इवन यू नो इफ इवन इट वॉज डव कैंपेन्स आइडिया लुक ब्यूटीफुल फील ब्यूटीफुल के बीच था. तो इसमें तो आपसे मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि उसमें आपको यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट द डेट्स ऑफ द कैंपेन, बिकॉज आपको इसको प्रोमोशनल एक्टिविटी से पहले ख़त्म करना है. और बाय जून हर चीज़ हर सेल पे चली जाती है, तो सेल के दौरान वो एडवर्टीजमेंट कितना चला रहे हैं, स्पॉन्सरशिप्स वो आपको नज़र आ रही होती. In any case, if you insist ke date is from March to August or September, etc., aapko yahan pe isme se ye sara kuch nikalna padega. Everything will be would be deleted. Sticking to only 2017 या 2017 से नीचे के तीन चार bars अगर आप शामिल कर लेते हैं, okay, I could have accepted all those bars. लेकिन आपको क्योंकि ये जो आपका है ये जो थोड़ा सा स्टैग्नेंट पार्ट नजर आ रहा था 2014-15-16 में, तो इन 2017 यू आर ऑलरेडी शोइंग कि एटलीस्ट 25% गेन है, you know? 21% में. हाँ, जी मैम. हाँ, मैं इमेज देख के अंदाजा लगा रही हूँ. बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है. सो बेसिकली ये 2018-19 के जो जितने फिगर्स हैं वो तो दे आर टोटली इररिलेवेंट टू योर 2017 कैंपेन. द केस स्टडी इज अबाउट ओनली वन कैंपेन. सो इसमें से आउटसाइड दैट पर्टिकुलर केस ऑफ 2017 मार्च कैंपेन हर चीज इसमें से रिमूव हो जाएगी, विच इज नॉट रेलेवेंट टू 2017 मार्च कैंपेन. ठीक है, और विच मींस के उसके बाद जो आपकी मेजरमेंट्स भी हैं उसमें भी यू शुड यू विल बी रिक्वायर्ड. आपने चैनल्स में आपने यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पे अपने काफी सारे फिगर्स दिए हुए थे कि किस चीज को किस वजह से सिलेक्ट कर रहे हैं, यू नो आप ये कह रहे हैं. ठीक है कि आपने कहा कि दिस इज द रीजन कि दे आर फाउंड मोस्ट. लेकिन जब मेजरमेंट्स में आते हैं तो आप जब बहुत ज्यादा नंबर्स देना शुरू कर देते हैं तो आपको सिर्फ ये यहाँ से भी सारा सिर्फ 2017 द वन विच इज रेलेवेंट टू पर्टिकुलर कैंपेन रह जाएगा, बाकी सारा कुछ रह जाएगा. ठीक है, फाइनेंस वाला जो नीचे वाला पार्ट है सेल वाला वो है चैनल चॉइस, और बाकी जो ऊपर है वो तो सिर्फ कैंपेन का जो मैंने नंबर दिया है वो तो सिर्फ ट्राई टू अंडरस्टैंड. इस पूरे पेज पे 2017-18 है, आप 18 डाल नहीं सकते. आप 17-18 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स डाल ही नहीं सकते, क्योंकि आपको अगर इंडिकेटर डालना था तो सिर्फ इन 5-6 महीने का डालना था कि इन 5-6 महीने क्या हुआ. ठीक है, ठीक है. आप यू कांट गो टू एनीथिंग एल्स. केस स्टडी बहुत स्पेसिफिक होती है, वन केस ओनली. हमने जो सबसे पहले केस स्टडी देखी थी उसमें तो यू कैन इफ यू रिमेम्बर कि वो तो हर चीज को अलग करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन से मीडिया से कितना है, कौन सा मीडिया मतलब पाथ टू परचेस में उन्होंने हर पाथ का भी जो 7 स्टेप्स थे उसको भी उन्होंने अलग अलग लर्न करने की कोशिश की थी. हालांकि उसने कहा था कि 7 स्टेप्स में विच वन इज गुड और बैड. ठीक है, तो लेकिन दे ट्राइड टू मेजर इट. ओके, ठीक है. अच्छा, आपने अपना टॉपिक क्यों चेंज किया? कौन सा मैम? टॉपिक क्यों चेंज किया मैम? टॉपिक वो जो पहले वाला टॉपिक था वो उस पे कुछ वो नहीं सूटेबल नहीं था मैम. वो
उस पे आपका फीडबैक भी मुझे नहीं आया था आपने सिर्फ जो मैंने नहीं फीडबैक तो मैं सिर्फ आपका आपकी प्रेजेंटेशन सुनना चाह रही थी सो बट दैट्स फाइन वी कैन डिस्कस इट सम टाइम लेटर ठीक है तो इसको बस आप इसमें जो चीजें मैंने आपसे कही हैं एड्रेस दो इश्यूज ठीक है कोई मसला नहीं ओके थैंक यू गुड ओके नेक्स्ट कौन है जी जिशान यस मैम सॉरी इसमें सेशन में ब्रेक पॉसिबल नहीं है अगर आप कहते हैं तो मैं 5 मिनट की ब्रेक दे देती हूं एंड देन वी रिज्यूम अगर बाकियों को चाहिए तो ठीक है ले लेते हैं तो मैम ऑल राइट ठीक है जी जिशान ओके गुड आफ्टरनून एवरीवन आई विल बी प्रेजेंटिंग कैनवर्ड खुश रहो कैंपेन फॉर 2017 series of DC inverter AC. The Kenwood Khushro campaign was launched first time in 2015, but I'll be focusing on 2017 only. Okay, so let's start with the market context and a little bit of company introduction. Kenwood has a respectable place in the market and is one of the top market competitor in the industry of appliances. It has its assembly facility in Karachi since 2004 and the ultimate showdown between Pakistan's top DC inverter ACs manufacturer. So the ultimate showdown between Pakistan's top DC inverter AC manufacturer was Orient, Haier, GE, Mitsubishi and Kenwood. This pie chart shows us that the consumer behavior and practices while buying an inverter AC. Customers who intend to buy an inverter look for capacity and consumption, and that I have put here as 40%. And price, the consumer look at the price as 30%. They look at the prices and 20% at the at their cooling capacity, and 10% they look for hardware and quality. Of the product say ye aapki study kenwood ke bare mein hai na kenwood dc inverter yeah theek hai aur yahan pe you are talking about competition are you market context mein ma'am yes ma'am competition ki baat karu jo is waqt lekin jo aapne explanation di wo about kenwood thi but you said ki this is the kind of competition jisme kenwood has to create its product demand ye jo aapne yahan pe ye jo colors dikhaye the in colors ka taluq kin cheezon se exactly capacity consumption price cooling hardware etc yes ma'am ye market demand hai ye jo maine likhi hai upar pie chart ke ye pie chart kenwood ke bare mein hai ya about all of them nahi all of them hai ye acha theek hai okay So coming over to marketing objectives, the parameters of selecting the appliances in customers' mind was capacity, energy consumption versus prices. In 2017, Kenwood came up with TVC SQL to communicate the energy efficiency of their heat and cool air conditioner. The objective obviously was to increase its sale and brand awareness. So coming over to the next slide, ma'am. Here I would like to mention some points that you ma'am suggested us that we must include in our case studies. So the agency behind this TVC was Areva. The TVC was directed by Zahiruddin and produced by ID Creations. Post production was done by Checkpost. Cast was Nawazuddin Siddiqui, Aisha Khan. And the achievements of the of this TVC was that it won the PAS awards 2018. Timeline of this campaign was summer and winter 2017. Next one, please. So the channel choices, the tools chosen for 2017 campaign were print ads, hoardings, electronic media. Winter and summer campaign, TVC and radio commercials, social media, YouTube, Facebook, Instagram and Twitter. So the sequel had over 5 million views on social media.
the buzz was created from social media and TVC. It created a positive impact on the company image. So coming over to creative strategy, the 75 second ad was pretty pleasant and it brought a smile on everyone's face. The Bollywood actor Nawazuddin Siddiqui was doing a great and quality work in the industry, and Aisha Khan was also doing some good work in TV serials. So both of them were taken in the cast. Aisha Khan and they both have had very good vibe. Every couple can relate to. The idea was to show that sweating can occur anytime, but Kenwood inverter AC is simply good in controlling temperatures. And then a voiceover tells the solution for a happy ending and giving benefits like saving money from celebrities, from electricity bills, and saving relations with the money you have saved. In the next slide, we have some videos, but I think there is some problem with the sound, so we should just watch one of these. Can you please play this with the white thumbnail? अरे तुमने देखा बिजली का बिल कितना कम आया इस महीने? देखो ना. देखा तुमने? ये कैनवुड 7-star ऐसे का कमाल है. ये 75% तक बिजली की बचत करता है. मैं तो कह रहा था तुमसे, तुम ही नहीं मान रही थी, कह रही थी ये सॉरी यू वर राइट, दिस वाज द परफेक्ट डिसीजन. और पता है 63 डिग्री में भी कूलिंग करता है, लो वोल्टेज पे स्टार्ट हो जाता है, इजी मेंटेनेंस, और खुद भी क्लीन कर सकती हो, फोन पे भी ऑन हो जाता है. हे वाकई? मैंने भी ट्राई करना है. तो ना अपना फोन नहीं, तुम अपने फोन पे भी ऑन कर सकती हो. अभी क्या जरूरत है, मौसम अच्छा है. फोन पासवर्ड पासवर्ड बिजली की 75% बचत की गारंटी तो हमारा 7-star एसी दे देगा. हाँ, आपकी बचत आपकी जिम्मेदारी है. I just wanted you to have a look at it. The sequel was watched over and over on the top Pakistani channels. The CPRP for that is cost per rating point for winter campaign was 22,464 and for summer campaign it was 15,564. It was a hit on social media as well, with a million plus views on YouTube and around 700k views on Facebook. Next slide. Kenwood's Pakistan Crypto campaign won multiple PAS awards. The campaign helped 32.6% increase in sales, and this sold 132,000 units against target of 120,000. Kenwood third highest market share in the market and grew 177%, whereas market grew by 120%. Okay, that's it. Thank you. Ji, questions? Ma'am, actually there are questions. A is not specified the marketing context in detail. Secondly, what does he mean by when he said sequel? What is sequel? Sequel is a story. Story is different. एक एड के और उसके बाद एक और एड बनता है तो उनका आपस में एक कनेक्शन होता है. दैट इज सीक्वल. या आई नो व्हाट सीक्वल इज बट व्हिच कॉन्टेक्स्ट वर यू एक्चुअली रेफरिंग टू. ठीक है, अच्छा. कॉन्टेक्स्ट यही हुआ ना, जब उनका आपस में कनेक्शन है तो दैट इज अ कॉन्टेक्स्ट. आई थिंक शी इज प्रोबेबली आस्किंग कि क्रिएटिव कनेक्शन बिटवीन द टू एड्स एग्जैक्टली क्या था. दिस कपल इन बोथ द वीडियोस
Yes, ma'am. He told me to what he was referring to. Also, ma'am, can you go to that slide? Can you go up, ma'am? It will. No, ma'am. Just can there's a creative strategy. So creative strategy, where you just said that Nawazuddin Siddiqui and Aishama was taken. So what was creative about it? Why did they take? What was the thought process of this ad campaign while taking it? You know, it must be creative. Fine, but what was their thought process of taking them? It was not creative because every other ad endorses celebrity. What was creative in it? I think they taking the best shot in cast is a creative strategy. It was obviously observed that taking a good cast which had done some good work. Traditional trend. It's nothing out of the box. What's creative in it? That's what I'm trying to say. Nawazuddin Siddiqui jo isme hai wo creative hai kyunki wo India ka actor hai. No. But do you know there are a lot of ads which already have Indian actors endorsing it, starting from Keemobile and stuff. That's not creative. Celebrity endorsement has been there for quite a while, be it Indian or Pakistani. Creative strategy mein is brand ki as जो एज अ रिजल्ट आना था उसका पूछना चाह रही हूँ. जैसे बाकी सारे प्रेजेंटेशन में आपने भी बताया एसन कि आप उनकी क्रिएटिव स्ट्रेटजी थिंक टैंक क्या था, यू नो, कनेक्शन ऑफ चाइना एंड स्टफ. व्हाट वाज डिफरेंट इन दिस क्रिएटिव स्ट्रेटजी? दैट्स व्हाट आई थिंक. एक तो दे कुड टेक एनी गाय फ्रॉम पाकिस्तानी इंडस्ट्री और उसके बाद हो सकता है चाहे वो हिट भी हो, लेकिन एक नवाजुद्दीन सिद्दीकी का एक अपना ही वो ऑरा है और वो चार्म है, तो हिट. इसमें आप ऐड वैसे कर सकते हैं ना कि जो स्टोरी टेलिंग थी इस चैनल में, इस टीवीसी में, वो क्रिएटिव का हिस्सा बन सकता है. आप उसमें वो ऐड कर लें बेशक, क्योंकि डिफरेंट मैंने ये एड्स देखे हैं तो स्टोरी टेलिंग एक क्रिएटिव वे में थी. उसका स्क्रिप्ट था कि जो जितने भी एड्स बनाए उसके अंदर जो उन्होंने एक इंप्रेशन दिया है कि कोई भी कपल जो पाकिस्तान में, दे कैन रिलेट देमसेल्फ टू दैट एड. ओके जिशान, एक तो आपकी कुछ चीजें जो है, मिसाल के तौर पे ये स्लाइड सही जगह पे नहीं है ना. हमने जितनी केस स्टडीज देखी उसमें क्रेडिट्स जो थे वो एंड पे थे. मैम आई थिंक प्रेजेंटेशन में आई इंटेंसली इसको इस जगह पे प्लेस किया कि शुरू में इंट्रोडक्शन दे दिया जाए जो भी. देखिए हमने कुछ केस स्टडीज में कुछ नाम देखे थे, राइट? कुछ केस स्टडीज में कुछ नाम और कुछ चीजें वर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उनका फॉर इंस्टेंस प्रोबोनो में हमेशा एक नाम नजर आ रहा था हर प्रोबोनो कैंपेन में, बिकॉज जिसका नाम नजर आ रहा था उसका बहुत एक सिग्निफिकेंट रोल था और वो बहुत और तरह का, मतलब वो अक्सर CSR भी थी ना, जिसमें उन्होंने कहा कि ये कंपनी एंड सच एंड सच पर्सन केम टुगेदर एंड दे डिसाइडेड कि ये इशू है एंड यू हैव टू सेव डू दिस और डू दैट. मतलब ऑब्जेक्टिव जो था बड़ा क्लियर था. इस केस में तो मेरा वैसे ये ख्याल है कि ये एक नॉर्मल एडवर्टाइजिंग कैंपेन थी और उस नॉर्मल एडवर्टाइजिंग कैंपेन में जो क्रेडिट्स थे वो एंड पे ही जाने थे. कंपनी क्रेडिट्स जो है ना आपके, या क्रेडिट्स, ऑथर क्रेडिट्स आपको चाहिए थे और ऑथर क्रेडिट्स जो है आपको, ऑथर क्रेडिट्स के बाद आपको आखिर में आखिरी पेज क्रिएट करना था. यू कुड रिफर टू सैंपल्स जो कि गूगल क्लासरूम में पोस्टेड हैं. मैं आपको वैसे बताई थी बिकॉज हम एक्चुअली यहाँ पे ये देख रहे थे कि वी वॉन्टेड टू सी कि आपकी कैंपेन क्या है, आपके फिर आपकी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के बाद आप जब आते हैं तो एकदम हमें इसकी यहाँ पे जरूरत नहीं थी बिकॉज वी वांटेड टू हियर अबाउट योर क्रिएटिव स्ट्रेटजी एंड योर चैनल चॉइसेस एक्सेट्रा.
तो थोड़ा सा मुझे ये लग रहा था कि आपके जो मुख्तलिफ स्लाइड्स हैं उनके ऑर्डर जो है ऑर्डर में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बिकॉज इफ द प्रॉब्लम इज इन द स्लाइड्स देन प्रॉब्लम ये वाली ये चीज़ जो है वो गालबन फिर शायद आपके ऐसे में भी होगी. तो ऐसे में ऐसे में मैंने लास्ट में केस क्रेडिट्स दिए हैं और इधर मैंने इंटेंशनली यहाँ पे दिया कि मैं शुरू से ना बता दूं कि कौन था बिहाइंड द सीन्स. नहीं, ये बिहाइंड द सीन उस तरह का नहीं है जिसने कोई रिमार्केबल काम किया जैसे शेक्सपियर डेलस को बचा लिया या टेनिसन सेंटर को बचा लिया, यू नो उसमें वो और तरह की कैंपेन्स थी. तो ये तो एक नॉर्मल प्रोडक्शन टीम लग रही है फॉर मेकिंग दिस टीवीसी एक्सेट्रा. तो आपने टीवीसी के क्रेडिट्स दिए हैं, हमें टीवीसी क्रेडिट्स तो चाहिए ही नहीं. यू नो इट सेज टीवीसी क्रेडिट्स. हमें जो जो कैंपेन थी, क्योंकि रिजल्ट्स भी कैंपेन के ही रिपोर्ट करने हैं और हर चीज़ जो है उसी तरह चलेंगे, तो फिर विच मीन्स कि हमें उसके सिर्फ एक पार्ट के वो मेकर्स की डिटेल नहीं चाहिए. ठीक है, तो टीवीसी इज़ वन पार्ट ऑफ द कैंपेन जो आप यहाँ पे बता रहे हैं. बिकॉज जब आप यहाँ पे चैनल चॉइसिस में जा रहे हैं तो यू आर सेइंग प्रिंट एड्स, होर्डिंग्स, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विंटर समर कैंपेन. ये आपने विंटर एंड समर दोनों कैंपेन्स क्यों डाली हुई हैं? यू नीड ओनली वन, या फिर आपको लग रहा है कि क्या कर रहे थे बाय पुटिंग, क्योंकि लाइसोल देखें जी कैंपेन एक है, प्रोडक्ट जो है वो दोनों सीजन में यूज होता है, तो इसलिए ये विंटर एंड समर कैंपेन ही है. ये इवन के जो पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग सोसाइटी है उनके पास भी एक ही कैंपेन को इसी नाम से उन्होंने बताया. अच्छा, जो हमने लाइसोल का देखा था ना उसमें उन्होंने बिल्कुल स्टार्ट में एक जगह दो सीजनल अप्रोच उन्होंने बताई थी कि बैक टू स्कूल अप्रोच थी और फ्लू मेरा ख्याल है कि दो उनके शुरू में नज़र आ रहे थे जिसकी वजह से उनकी दोनों कैंपेन्स का नेचर चेंज हो रहा था. आपके इसमें एक ही नेचर की कैंपेन है इन बोथ सीजन समर एंड विंटर? क्योंकि प्रोडक्ट दोनों टाइम में यूज, ये हीट एंड कूल इन्वर्टर एसी का ना, तो इसलिए वो एक ही टीवीसी एक ही कैंपेन को जो है ना वो दोनों सीजन के लिए बनाया गया था. हाँ, तो आपका जो कैरेक्टर्स हैं वो सीजन के हवाले से कोई बात करते हैं टीवीसी में? यस. अच्छा, ये जो आपका ये वाला स्लाइड है चैनल मार्केट कॉन्टेक्स्ट वाला, जो हम आप सिर्फ ये तो कह रहे हैं, आपकी मेरा ख्याल है कि स्टडी में भी यू हैड मेंशन्ड नेम्स ऑफ ओरिएंट हायर, ग्री, मित्सुबिशी एंड कैनवुड एक्सेट्रा. ठीक है, तो आपको एक्चुअली फोकस चूंकि आपको अपना रखना है कैनवुड के ऊपर, तो यू कैन से कि बिकॉज ऑफ कंपटीशन कैनवुड सेल्स वर गोइंग डाउन बिकॉज यू नो के बहुत ज़्यादा कंपटीशन था. यहाँ पे तो आपने 5 डिफरेंट ब्रांड्स मेंशन कर दी, सो यू आर सेइंग कि कैनवुड की अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी कि उसको जो दो चीज़ें थी ना वो प्रोमोशनल या कॉस्ट कटिंग के थ्रू तो नहीं आ रहा, तो कॉस्ट कटिंग में हैव बीन हार्मफुल फॉर इट, सो ही इट केम अप विद सम अदर प्लान्स कि हम ये यूज करेंगे. और उसके लिए आपने जब ये कह दिया कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, और ये लड़की जो है ये कमर्शियल कहाँ शूट हुआ, इंडिया में? नो मैम, पाकिस्तान. आप कह रहे हैं कि कमर्शियल पाकिस्तान में शूट हुआ? यस मैम. और नवाजुद्दीन सिद्दीकी जितना अच्छा एक्टर है, परफॉर्मर है, मुझे उस टीवीसी में वो पावर रिलेटिवली ज़रा कम लगी. तो इन दोनों आर्टिस्ट के अपने कोई ब्लॉग्स भी हैं रिलेटेड टू दिस कैंपेन स्पेसिफिकली? नो, देयर पर्सनल ब्लॉग्स. डिड दे हैव देयर ओन ब्लॉग्स व्हेन दे वर ब्रॉट यू नो इन दिस कैंपेन? No, ma'am, I didn't check that, कि उनके ब्लॉग के अंदर कुछ इस तरह की कैंपेन किससे रिलेटेड चीज होगी. मैंने आपसे इसलिए पूछा कि हम जो मुख्तलिफ केस स्टडीज देख रहे थे ना उसमें ये था कि अगर इफ द आर्टिस्ट या जहाँ भी आपने कोलैबोरेट किया या जिसके साथ भी आपने हायर किया, इफ दे हैड ब्लॉग्स, तो फिर उनकी अपनी पेजेस पे भी प्रोडक्ट की जो है वो पोस्ट हो सकती थी ना.
like campaign could be posted on their personal blogs as well. To main aapse waise hi puchhi thi, to you are saying ki is kisam ki koi cheez maujood nahi thi, that's what you said, right? Yes, अच्छा आपने प्रिंट एड्स और होर्डिंग्स के मेजरमेंट्स के हवाले से कोई बात की, क्योंकि आप यहाँ पे ये सारे कह रहे हैं ना प्रिंट एड्स इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, इन्होंने ये किया था कि जो ये जो प्रिंट इस वक्त नजर आ रहा है ये इन्होंने कुछ बैंक्स के साथ कोलैबोरेशन की थी और बैंक्स के जो क्रेडिट कार्ड होल्डर्स होते हैं उनको इस तरह के प्रिंट्स जो है वो भिजवाए गए थे और फिर इंस्टॉलमेंट प्लान्स वगैरह पे ये जो प्रमोशंस चली थी वो तो प्रिंट एड नहीं है ना, वो तो कोई और चीज है। अगर आप बैंक के क्लाइंट्स को डील कर रहे हैं तो वो तो क्रेडिट कार्ड बिल के साथ आपको मिल जाती हैं दो तीन चीजें, तो आप उसको यू कैन लुक एट इट के जी आप इसको इस तरीके से ले लें, तो वो तो फिर विच मीन्स कि जब आप रिजल्ट्स पोस्ट कर रहे होंगे तो आप फिर सिर्फ ये बता रहे होंगे कि जी इस इन सारे मीडिया की वजह से जो आपने चैनल चॉइसेस यहाँ पे इतनी ढेर सारी बताई हुई थी, यू मेंशन मेनी ऑफ देम, ये देखें प्रिंट एड, होर्डिंग टू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया थ्री, रेडियो फोर, दोनों आ गए ना उसमें फोर, फिर यूट्यूब फाइव सिक्स सेवन एट, तो आपने ये मुख्तलिफ चीज़ें बता दी। तो फिर मैं आई वाज जस्ट ट्राइंग टू सी के फिर इन मुख्तलिफ जो आपने आठ डिफरेंट आइटम्स बताए उन सारों की मेजरमेंट्स कहाँ हैं, तो आप उन सारों की मेजरमेंट्स या रीच या कुछ उन सारों का आप इंडिविजुअली भी बता रहे होंगे। आप यहाँ पे कह रहे हैं कि सेल इंक्रीज हुई, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि आपने मोस्टली मार्केट शेयर और सेल का डिस्कस कर रहे हैं आप, अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग सोसाइटी अवार्ड। तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपकी मेजरमेंट्स किधर हैं ऑफ मीडिया मेजरमेंट्स, यू नो लाइक डिफरेंट चैनल्स जो यूज हुए, लाइक्स, डिसलाइक्स, इंप्रेशंस एक्सेट्रा। मैम ये ऊपर वाली स्लाइड जरा ओपन कीजिएगा, ये वाली जी जी। अच्छा आप कह रहे हैं कि यूट्यूब पे मिलियन प्लस, 1 मिलियन, फेसबुक पे 700,000 और ये क्या है विंटर कैंपेन से 22,000 और समर कैंपेन से 15,000, लेकिन इसमें आपने इसको स्प्लिट फिर भी नहीं किया, यू नो एज इन एक एक अलग चैनल के ऊपर जो रीच है, तो कौन से चैनल से आपने केस स्टडी ऐसे में मेंशन किया हुआ है कि डिफरेंट चैनल से आपको क्या क्या अचीव हो रहा है? मैम उसमें भी इसी तरह ही किया हुआ है लेकिन सेपरेटली नहीं, मैंने नहीं किया, ऐड अप करके मैंने 1 मिलियन प्लस लिखा है, तो यूट्यूब पे जितने इनके सीक्वल्स हैं उन सब के जितने व्यूज हैं उनको ऐड ऑन करके तो ये मिलियन प्लस बनता है। वो तो टीवीसी हो गया ना, टीवीसी हो गया, रेडियो कहीं नहीं नजर आ रहा, और बाकी जो चैनल्स आपने मेंशन किए हैं, इंस्टाग्राम भी मेंशन था, ट्विटर मेंशन था, ट्विटर के मेरा ख्याल है शायद स्पेलिंग्स में कोई थोड़ा सा एरर था, बट आई एम सेइंग कि जो आपने बाकी चैनल्स मेंशन किए हैं आपकी केस स्टडी अच्छी है, इट विल बी बेटर अगर आप इसके बाकी चैनल्स का डेटा यहां पे कंप्लीट कर देंगे। मैम दैट्स द मैक्सिमम डेटा वी कुड कलेक्ट ना, क्योंकि पाकिस्तान में बैंक्स के ऊपर डेटा इतना मिलता नहीं है, तो मैक्सिमम रिसर्च पे जितना कुछ we could probably get listen when like, aap are you telling me ke inka jo aapne yahan pe mention kiya twitter accessible nahi hai ya instagram accessible nahi hai? रेडियो की मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, रेडियो को मैंने आपने रेडियो मेंशन नहीं किया ना, यू डिड नॉट से के यू आर टॉकिंग अबाउट रेडियो, लेकिन आई थिंक कि सोशल मीडिया में यू कुड प्रोबेबली चेक के फेसबुक पेज पे दिस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट रिसीव्ड सो मेनी लाइक्स एक्सेट्रा, यू नो लाइक्स का नंबर या रीच एट टाइम्स नीचे लिखा हुआ आ रहा होता है, फिर इंस्टाग्राम यू कुड प्रोबेबली चेक, ट्विटर यू कुड चेक। डू यू नो कि इन्होंने रेडियो चैनल्स जो है वो नेशन वाइड रिलीज दी थी कि सिर्फ सिटीज में रिलीज दी थी और इन अ पर्टिकुलर सिटी? मैंने रेडियो कमर्शियल इस कैंपेन से रिलेटेड जितनी सर्च की थी मुझे कुछ भी नहीं मिला उस पे। ओके सो लेकिन टीवीसी तो आपको मिल गया ना जी, ठीक है, सो ट्विटर भी एक्सेसिबल है, इंस्टा भी एक्सेसिबल है, मैं आपसे सिर्फ ये कही थी कि वो चीजें आप डाल देते तो ये कंप्लीट हो जाता।
ठीक है मैम ओके थैंक यू थैंक यू सो मच गुड 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 जॉब थैंक यू जी नेक्स्ट कौन है मजना यस मैम जी मजना क्या सूरत हाल है ले लेती हूँ और आप लोगों को लग रहा है कि हमें छुट्टी कर लेनी चाहिए यही लग रहा है फोन डेड हो गया आप सेल फोन पे अटेंड कर रही हैं अपनी क्लास आपको कितनी चीजें नजर आ रही होंगी अदनान हाशिम मैम आपकी नजर आ रही है जी अदनान हाशिम कमर्शियल अदनान का कमर्शियल ब्रेक है एहसन ताहिर जी मैम एलेना अरसल प्रेजेंट मिस अस्मा मैम एलेना हियर एलेना आ गई थी गुड जॉब हाय जी एलेना आपने कुछ सेशन अटेंड कर लिए अरसल जी मिस मैम मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा था ओके मैम फैसल हियर मैम प्रेजेंट हसीब प्रेजेंट मदीहा प्रेजेंट अहमद हफीज प्रेजेंट मैम अम्मार जहीर Kazim present ma'am Noriz hello present Zishan present Muzna present Zubab present Sania Sania present Sania present yes ma'am okay or सानिया के बाद सऊद प्रेजेंट मैम शारफा प्रेजेंट मैम शहीर मैम शारफा नमाज पढ़ने गई है शारफा नमाज पढ़ने गई है शुमाइला प्रेजेंट सुंदस प्रेजेंट नवाजिश प्रेजेंट मैम तूबा Present ma'am. Zahra or Zamra. Zahra or Zamra. Ji dono hain. Yes ma'am. Muzna ko phir hum next week pe le jaye. Aur jo maine aapse discussion ki regarding TVC storyboard copy, koi question reh gaya hai to wo aap mujhse pooch lein please before we go. मैम मेरा एक क्वेश्चन है आपको कल सबमिट करना है अस्मा आपको मैं सिर्फ इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि लास्ट मिनट पे ट्रस्ट नहीं आपसे मैंने आपसे कहा कि इसको प्रेजेंट वेल मींस कि आपका पेज जो है वो अच्छा लगना चाहिए आपका एडवर्टाइजिंग है आपसे आई इंसिस्टेड कि मुझे केस स्टडीज भी डिजाइन करके प्रेजेंट करें राइट सो आई वांट कि आप उसकी कॉपी जल्द से जल्द अगर कर लेंगे तो जो स्टोरी बोर्ड वाला पार्ट है वो आपको वेल प्रेजेंट करना पड़ेगा कॉपी तो चलिए एक सादा से पेज पे आ जाएगी व्हाइट पेज पे लेकिन स्टोरी बोर्ड विल रिक्वायर सम वर्क जो आपको नीटली ब्यूटीफुली प्लेस करके मुझे देना पड़ेगा तो मैं आपसे सिर्फ ये कही थी कि अगर आप उसको कुछ कर लेते हैं इफ यू स्टार्ट सम वर्क तो आपका डेडलाइन तो आपकी 21st रहेगी 22nd नहीं होगी 21st होगी ठीक है सो बेसिकली लेकिन सजेशन मेरी यही है कि स्टार्ट इट चाहे थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट कर दें ठीक है ऑल राइट जी जी मैम मेरा क्वेश्चन है एक बताइए जी मैम नोरेज बात कर रहा हूँ मैम आपने जो प्रेजेंटेशन की चेंजेस जो थोड़ी बहुत बोली हैं और जो केस का है उसमें ये आप प्रेजेंटेशन चेंज करके दोबारा आपको टर्न इन कर दें प्रेजेंटेशन बिल्कुल मत चेंज करें ठीक है केस का सिर्फ फाइनल अगर आपने केस को अगर मिड टर्म अपलोड अगर कर दिया है सपोज
कि लेकिन उसमें तो फिर उसको आप जो मैंने आपको बताई हैं वो बहुत मामूली सी चेंजेस हैं तो मैम उसमें मैंने फाइनेंशियल वाली चीजें मैं स्पेसिफिकली अपनी बात कर रहा हूँ कि मैंने वो ग्राफ मेरी जो केस है ना सिर्फ ये मैंने प्रेजेंटेशन में डाले हैं केस में मेरे ग्राफ नहीं है तो वो ही ग्राफ का मसला था मेरा तो इशू हाँ, तो अगर आप नहीं प्रेजेंटेशन का तो कोई ऐसा दोबारा देने की जरूरत नहीं है बिकॉज मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि केस स्टडी में अगर आपने 2019 मेंशन नहीं किया हुआ स्टिक टू द केस केस हैज डेट्स इन मेनी केसेस आप देखें कि आज सुबह इसने क्या कहते हैं अम्मार ने जो प्रेजेंटेशन दी वो फरवरी 2020 की कैंपेन थी यू नो तो कैंपेन्स बहुत इतनी लंबी लाइफ नहीं होती कैंपेन्स की और सर्टन केसेस में तो कैंपेन जो है लॉन के केस में कैंपेन तो उस जो पूरे पूरे सीजन सर्वाइव करने से पहले प्रमोशन में चली जाती है यू नो डिस्काउंट्स पे चली जाती है लॉन की तो बहुत शॉर्ट लिफ्ट कैंपेन होती है तो उसमें आप 2019 की रिपोर्ट आनी ही नहीं चाहिए थी 2018 भी नहीं आना चाहिए था बिकॉज योर केस वॉज लिमिटेड टू 2017 सीजन स्टार्ट जो था आपका ना लॉन्स आर नॉट फॉर विंटर लॉन्स आर मेड फॉर समर तो आपका बस आप यही कह लें कि जब लाहौर में स्प्रिंग स्टार्ट होती है या कराची में तो मिड फेब के बाद किसी भी वक्त मार्च के फर्स्ट ऑफ मार्च इज गुड डेट फॉर स्टार्टिंग द कैंपेन लेकिन वो प्रमोशन से पहले आपको उसको पैक करना है या प्रमोशन के दौरान मैं आई एम नॉट श्योर कि उनका बहुत अच्छा एडवर्टाइजिंग बजट रहा होगा ड्यूरिंग द पीरियड जब प्रमोशनल टाइम स्टार्ट हो गया बिकॉज दे हैव टू गेट रिड ऑफ ऑल द स्टॉक्स स्टॉक्स को उन्होंने अगर सपोज के दे वर 100 रोल्स तो उन 100 रोल्स में से उनको 100 के 100 सेल करना इज बेटर फॉर देम देन कीपिंग 20 रोल्स फॉर नेक्स्ट ईयर यू नो तो वो बेसिकली तो उनका यही इशू होता है लॉन्स वगैरह का कि सीजन का स्टॉक जितनी जल्दी सेल हो जाए अच्छा है ठीक है सो आपको बस वो सजेशन ही थी तो आपने जो भी करना है लेकिन आज आपकी डेडलाइन है ना फाइनल की तो बस आज की डेट में जो भी चेंज करना है वो आज की डेट में उसको अपलोड कर दें बस ठीक है मैम मेरा क्वेश्चन था जी बताइए जी काज मैम आपने जो कॉपी का कहा है कॉपी लिखने का अब मेरा आपने जिस तरह मेरी आपने केस स्टडी वीडियो दी है एयर एशिया वाली तो कॉपी में तो सिर्फ जो डायलॉग्स होंगे या जो कोई वॉइस होगी हम उसी को लिखेंगे जी जी तो वो मेरा जो देखें जिस अगर कोई साइलेंट केस स्टडी वहां पे आपको नजर आ रही है कि इट इज साइलेंट मैंने आप लोगों को आप में से किसी को भी एएसएमआर नहीं दिया यहाँ पे गूगल क्लासरूम में आपके पास मैंने आपसे कहा कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं इसमें बल्कि इंटरेस्टिंग होगा मैंने आप लोगों को एएसएमआर नहीं दिया बट इट वुड बी नाइस कि आप में से कोई एक जो है एक नॉट ऑल ऑफ यू अगर आप गूगल क्लासरूम में से यहाँ से कोई एएसएमआर में कोई केस स्टडी देख लें मैम मैंने एक चीज पूछनी थी जी जी सो मैं आपसे सिर्फ ये उसकी बात का जवाब कंप्लीट कर लूं मैं आपसे सिर्फ ये कही थी कि अगर साइलेंट है केस स्टडी मैम साइलेंट नहीं सिर्फ टेक्स्ट है उसमें ज्यादातर टेक्स्ट है तो वो टेक्स्ट तो आपको लिखना पड़ेगा ना वो आपको वही एज इट इज टेक्स्ट लिखते आप देखिए अगर वो साइलेंट होती ट्राई टू अंडरस्टैंड मैं क्या कह रही हूँ अगर वो साइलेंट होती तो फॉर इंस्टेंस सपोज कि होंडा की कोई केस स्टडी होती और साइलेंट होती राइट यहाँ पे अगर आप साइलेंट तो केस स्टडी को होना नहीं चाहिए लेकिन आपका ये जो है फॉर इंस्टेंस कोका कोला लेट्स सी के कोका कोला आपको क्या दिखा This consequently triggers a reciprocal response, leading to ever. ठीक है, so मैं आपसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपको अगर silent होता कोई part तो आप उसकी at least description दे दें अगर जरूरी है. In most cases आपको चाहिए voice में जो कुछ है या जो भी चीजें audio की शक्ल में हैं, text की शक्ल में आप उसको copy में डाल दें. लेकिन अगर किसी जगह पे कोई साइलेंट पार्ट है और बहुत ज़्यादा काफ़ी देर तक चल रहा है तो उसकी एटलीस्ट डिस्क्रिप्शन वहाँ पे कॉपी में ज़रूर डाल दें बिकॉज क्रिएटिव डायरेक्टर वुड एक्चुअली थिंक अबाउट इट कि अगर कोई साइलेंट पार्ट है तो वहाँ पे वो क्या शो कर रहे होंगे
लेकिन मैंने आपसे कहा कि बेसिकली जब क्रिएटिव डायरेक्टर ने कॉपी लिख दी तो वो पास ऑन कर देगा डिजाइन डिपार्टमेंट को या ऑडियो विजुअल को, ताकि वो उसमें उसको फर्दर डिवेलप करें, राइट? सो आपने उसको थिंक अबाउट इट, थिंक वाइजली, थिंक कि जहाँ पे अगर कोई साइलेंट पार्ट आ रहा है उसको आपने कॉपी में कहीं ना कहीं उसको मैनेज जरूर कर लें, समथिंग दैट डिस्क्राइब्स योर आइडिया बिहाइंड दैट पर्टिकुलर पार्ट, ठीक है? और जहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट तो आपको लिखना ही पड़ेगा ना, टेक्स्ट आपने, हम अभी ऊबर की जो हमने कैंपेन देखी थी उसमें हमें टेक्स्ट सुनाई भी दे रहा था और दिखाई भी दे रहा था, बिकॉज इट वॉज अपियरिंग ऑन द स्क्रीन. मे बी द थॉट के हो सकता है कैनेडा की पॉपुलेशन में ऐसे लोग हों जिनके लिए अंग्रेजी का एक्सेंट समझना थोड़ा सा इशू होता है. सो दे लुक फॉर सोल्यूशन सो इट कैन रीच एवरी वन. सो लैंग्वेज बैरियर जो है बिकॉज ऑफ एक्सेंट और फॉर वट एवर रीजन कैन बी अ बैरियर. तो उन्होंने प्रॉबेबली उसकी उसको जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया कि हम स्क्रीन पे भी लिखेंगे तो उसके पीछे कोई वाइज आइडिया तो रहा होगा. सो ट्राई थिंकिंग कि क्या है, ठीक है? So, just think about the solution, कि अगर आपको कोई साइलेंट या सिर्फ टेक्स्ट वाला पार्ट नजर आ रहा है तो आप ये कह दें कि इट्स दिस, के उसको डिस्क्राइब कर दें फिर कि ये सीन है जिसपे ये टेक्स्ट लिखा हुआ इमर्ज होगा. सो दैट शुड बिकम पार्ट ऑफ कॉपी. अगर सुनाई कुछ नहीं दे रहा, दिखाई दे रहा है, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन डाल दें. ओके मैम, कॉपी कल हैंड ओवर करनी है? मैंने आपसे कहा कि कॉपी जल्द अज जल्द करके उसको वहाँ पे डाल दें. सो यू आर डन विद द कॉपी पार्ट, क्योंकि आपको जो स्टोरी बोर्ड पार्ट है उसमें आपको काफी वेल प्रेजेंट करना पड़ेगा. मैम, अहमद बात कर रहा हूँ. जो आपने कहा कि ऊबर की भी हमने करनी है प्रैक्टिस के लिए, तो वो भी सबमिट आपको करवाएं? नो 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 नो, ऊबर जो है, ऊबर इज असाइंड टू एहसन आई थिंक. मैंने आपसे कहा था कि एवरीवन इज असाइंड a different brand. आप सबका मैंने ब्रांड चेंज कर दिया बिकॉज आई वॉन्टेड कि आप लोग अपना अपना काम अगर आप खुद करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर, ठीक है? अच्छा सर, यहाँ पे नजर आ रहा है somebody turned in an assignment already. Please, it looks like a wrong turn in. अब मैं, आप लोग असाइनमेंट वहीं सबमिट किया करें. एवरी असाइनमेंट देखें आपके यहाँ पे, जब हम असाइनमेंट कोई खोलते हैं तो आपको ये नजर आ रहा है कि आप सबको इंडिविजुअल स्पेस एलोकेटेड है. तो आई सजेस्ट कि आप अपनी, आपको अपनी असाइनमेंट पे जो मुझसे कम्युनिकेशन करनी होती है आप वो सिंगल स्पॉट से ही करें. अगर आप यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस के नीचे लिख देंगे तो इट वुड बी डिफिकल्ट कि मैं फिर जाके आपके इधर उधर ढूंढती रहूँ, यू नो. तो जिसकी जो असाइनमेंट है यहाँ पे 23 टर्नड इन है, आप सबके इंडिविजुअल बॉक्सेज हैं. आप अपने इंडिविजुअल बॉक्स से ही अपना कमेंट मुझे भेजा करें या कोई कंसर्न हो तो वहीं से पोस्ट किया करें, बिकॉज देन आई कैन सी ऑल ऑफ इट इन वन प्लेस. आप अगर बहुत सारी जगहों पे लिख देंगे ना तो आई कांट, यू नो, जैसे अब आपको यहाँ नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैंने जो भी कमेंट दिया, आई एम सेइंग कि हर बंदे की इंडिविजुअल स्पेस है. अपने बॉक्स से आप कम्युनिकेट करें, सो ऑल ऑफ आर कम्युनिकेशन इज इन वन प्लेस, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू. कोई एक्सक्यूज मी मैम. जी जी मैम, कैन यू हियर मी? जी जी मैम, मैंने प्रेजेंटेशन टर्न इन की थी बट आई हैव चेंज्ड द टॉपिक अ बिट. ब्रांड सेम है बट टॉपिक चेंज है ड्यू टू प्लेजरिज्म. तो कैन यू जस्ट चेक द केस? कौन कह रहा है? सुंदस रुबाब मैम, ओए होए ब्रांड है. हाँ रुबाब, देखे ना, अगर ओए हुए है, इट्स आई हैव टू रीड योर, अभी आपकी प्रेजेंटेशन का भी टर्न भी नहीं आया ना. आपके आई थिंक कि शायद मैंने आपको आपकी केस स्टडी पे कहा था कि इसमें बहुत ज्यादा कैंपेन्स हैं. स्टिक टू वन कैंपेन. तो इफ यू हैव फाउंड वन कैंपेन, इट्स परफेक्टली फाइन, इट्स गुड एक्चुअली, इट्स वेरी गुड. क्या मैम, सेम व्हिच यू सेड, मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आपने उसको केस स्टडी को रिड्यूस कर लिया ना, अभी मैंने कहा कि केस स्टडी 2-3 सालों पे नहीं जा सकती, राइट? उसी तरह केस स्टडी जो है वो बहुत सारी कैंपेन्स की भी नहीं हो सकती. इट्स अ केस ऑफ वन कैंपेन ओनली.
तो अगर आपने एक कैंपेन ढूंढ ली है तो इट्स गुड, इट्स एक्चुअली वेरी गुड कि यू हैव रिड्यूस्ड टू वन कैंपेन, ठीक है? ओके जी, थैंक यू जी. अस्मा आप कुछ कह रही थी? जी मैम सेम, मैं भी यही कह रही थी. आपने मुझे असाइनमेंट भी यही किया था कि आई वांट वन कैंपेन. सो इन द मिड टर्म सबमिशन आई हैव टेकन वन कैंपेन. माय ब्रांड इज सेम बट द कैंपेन इज डिफरेंट. सो द होल केस स्टडी आई हैव. All of you, both of you are saying that campaign is different. It's not different. It's just one now. Okay? Pehle you were talking about more campaigns. Now you will stay sticking to one campaign. It's better than before. Okay? Yes, ma'am. It sounds like, it sounds that it is better than before. Okay? Yes, ma'am. All right. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Tum log